हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा कंप्लीट पेपर नंबर 2, जो अपना पेपर नंबर 2 कॉमर्स है, उसको आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो एमसीक्यू से जो है वो रिवाइज करेंगे। आज का जो क्लास है बहुत ज्यादा रेलिवेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो टोटल मिला के 151 का प्रसाद जो है वो चखने वाले हैं। तो 151 एमसीक्यू जो है वो आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट जो है इनसे क्लियर होंगे, और आपका जो टॉपिक है जो आपने पढ़ा है पहले, रिविजन जो कर रखी है, वो और भी ज्यादा बढ़िया, मतलब पक्के तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज अभी बेसिकली 2 लेक्चर जो है मैं डालूंगा, एक तो ये हो गया, एक इसका नेक्स्ट पार्ट और आएगा कल सुबह। ओके, तो इनके अंदर हम लोग जो है वो कंप्लीट अपना जो पेपर नंबर 2 कॉमर्स है उसको जो है वो हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या कौन कौन से टॉपिक आज के वीडियो में हम लोग जो है वो कवर करेंगे, तो 4 टॉपिक हमने जो है इसके अंदर उठाए हैं, और वो 4 टॉपिक पूरे के पूरे जो है इसके अंदर हम उसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है वो निपटाने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जो है वो एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 बार देख के जरूर जाना, ठीक है ना। तो जो पीडीएफ में इसके शेयर करूंगा उसको देख जरूर जाना एक बार। ओके जी सर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे आज का पहला जो यूनिट है वो है आपका इनकम टैक्स का, और उसका पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो है क्या बोलता, अरेंज द फॉलोइंग एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको जो है जब हम एडवांस टैक्स पढ़ते हैं तो एडवांस टैक्स के लिए हम लोग जो है वो ये देखते हैं ना कि अगर मान लो आपके ऊपर एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आ गया, तो आपको जो है वो ड्यूरिंग द ईयर ही, मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर ही जो है वो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब आप ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब असेसमेंट ईयर के अंदर टैक्स का पेमेंट करोगे, नहीं। तो अगर आपके ऊपर जो है एडवांस टैक्स लाइबिलिटी अगर इंपोज हो जाती है, तो आप जैसे जैसे इनकम कमाओगे वैसे वैसे आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी को बोलता है पे एज यू अर्न स्कीम। ओके, अब उसके अंदर जो है वो एडवांस अपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एडवांस टैक्स के लिए जो है सेक्शन 207 से लेकर के 211 जो है वो क्या करके डेडिकेट किए हुए किसको, एडवांस टैक्स को लेकर के, ठीक है। तो यहां पे बोलता है कि अरेंज करो फॉलोइंग एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आपको यहां पे 5 जो है वो स्टेप बता रखे हैं, इनको आपको जो है वो क्या करना है, अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। देखो, जब कभी भी हम ये देखना चाहते हैं कि आपके ऊपर एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो चेक करेंगे कि भैया लाइबिलिटी है या नहीं है, ठीक है ना। मतलब अगर अपने को एडवांस टैक्स पे करना है या नहीं करना, तो उसके लिए पहले चेक करो कि क्या एडवांस टैक्स प्रोविजन हमारे ऊपर एप्लीकेबल है भी या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो क्या करेंगे, चेक करेंगे लाइबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इसको डील करता है सेक्शन 207, ठीक है। और एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कब आई होगी, अगर मान लो आपका जो टैक्स बनता है वो 10,000 रुपए या 10,000 से क्या ज्यादा है, तो फिर आपके ऊपर एडवांस टैक्स प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी हम चेक करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स। दूसरा जो नंबर आएगा वो क्या, यहाँ पे अब जो है मतलब अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, अब हम देखेंगे कंडीशन ऑफ द लाइबिलिटी टू पे द एडवांस टैक्स, इसको डील करेगा सेक्शन 208। कंडीशन चेक कर लिया, देन उसके बाद में फिर हम लोग जो क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे आपका एडवांस टैक्स जो भी बनता है। कंप्यूटेशन कर लिया, कंप्यूटेशन होगा सेक्शन 209 में। कंप्यूटेशन होने के बाद अब हम जो है वो क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे एडवांस टैक्स का बाय द असेसी ऑन द ओन रिकॉर्ड, ठीक है। हम पेमेंट कर देंगे, देन उसके बाद में जो है वो क्या होगा, पेमेंट करने के बाद में फिर इंस्टॉलमेंट जो है वो आएगा किसका, इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड द ड्यू डेट। तो एडवांस टैक्स एक साथ पे नहीं करना, तो आपने को 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर जो पेमेंट करना होता है, और वो 4 इंस्टॉलमेंट जो कौन कौन सी है, तो वो बताया गया सेक्शन 211 में। तो एडवांस टैक्स और एडवांस पेमेंट जो करनी है आपके टैक्स की, तो उसके स्टेप जो है असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से अरेंज किए जाएंगे। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, BDECA। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड, बोलते हैं जब माइनर चाइल्ड कोई है, ठीक है, माइनर चाइल्ड की इनकम अगर जो है वो पेरेंट्स की इनकम के अंदर क्लब होती है, ठीक है, चाहे पेरेंट्स फादर हो चाहे मदर हो, दोनों में से किसी भी इनकम में अगर जो है वो क्या हो गया, क्लब हो गया, तो बोलता है हाउ मच द डिडक्शन। तो पेरेंट को जो है चाहे मतलब अगर फादर की इनकम में क्लब हुई है तो फादर को डिडक्शन मिलेगा, मदर की इनकम के अंदर जो है वो माइनर चाइल्ड की इनकम अगर क्लब हुई है तो मदर को जो है डिडक्शन मिलेगा। तो बोलता है हाउ मच, कितनी डिडक्शन जो है वो अलाउ की जाएगी मदर या फादर को, तो वो होती है पूरे साल की कितनी, 1500। ये बात ध्यान रखना, 1500 एनुअली है, 1500 जो है वो मंथली नहीं है, 1500 क्या है, एनुअली, मतलब पूरे साल में जितने भी इनकम जो है वो माइनर ने कमाई वो आपकी इनकम में क्लब करके और सीधी फ्लैट 1500 या इनकम विच एवर इज लेस, दोनों की डिडक्शन आपको, दोनों में जो कम होगी उनकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक मल्टीनेशनल कंपनी, कैसी कंपनी है, मल्टीनेशनल। अब मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती है, जो एक से ज्यादा नेशन के अंदर जो है वो क्या करती है, बिजनेस ऑपरेशन करती है। यस, मतलब हमारी एक कंपनी वो इंडिया के अंदर भी है और इंडिया के बाहर, मान लो यूएस के अंदर भी उसने जो है वो अपना क्या कर दिया, ब्रांच ऑफिस ओपन कर दिया, और यूएस में भी क्या कर रही है, काम कर रही है। तो बोलता है एक मल्टीनेशनल कंपनी वो यूज करती है विच प्राइस को टू क्रिएट प्रॉफिट इन द लो टैक्स रिजाइम एंड लॉस इन हाई टैक्स रिजाइम। तो कौन सा, मतलब एक कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, वो कौन से प्राइस
प्राइस को बेसिकली जो है वो क्या करेगी, यूज करेगी, किस प्राइस मैकेनिज्म को यूज करेगी, अगर वो जो है एडवांटेज लेना चाहती है क्या, अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहती है लो टैक्स रिजाइम में, और लो जो है वो उठाएगी किसमें, हाई टैक्स रिजाइम में, तो वो होता है आपका टीपी, ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ये याद करके जाना कि ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो क्या करती है, जब लो टैक्स रिजाइम होगा ठीक है, तो वो जो है वो क्या करेगी, प्राइस थोड़ा सा ज्यादा करके दिखाएगी ताकि इनकम जो है वो ज्यादा बने, क्योंकि टैक्स तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हाई टैक्स रिजाइम है तो वो क्या करेगी, प्राइस को थोड़ा सा कम करके दिखाती है, ताकि मतलब टीपी के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग में जो आपके पांच मेथड है उनमें से ऐसे मेथड का हम लोग जो सिलेक्शन करते हैं जिससे हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है, मतलब जो हमारा ट्रांसफर प्राइस है वो क्या है, कम आए। और ट्रांसफर प्राइस कम आएगा, कॉस्ट ज्यादा है तो फिर क्या होगा, अपने जो है वो प्रॉफिट भी क्या आएगा, कम आएगा बल्कि लॉस होगा, और टैक्स अगर जो है वो क्या ज्यादा है तो फिर अपने को कोई नुकसान उससे नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो बेसिकली इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन होती है ना, जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शन होती है, तो वो किस प्राइस पर होती है, वो है आपका ट्रांसफर प्राइस। आगे बढ़िएगा, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलेक्ट फॉर एग्रीकल्चर इनकम। जब कभी आप एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूट करेंगे तो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर क्या क्या, किस किस तरह की एग्रीकल्चर इनकम आती है, तो सबसे पहला इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, ट्री, बैम्बू, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। रेंटल रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम द लैंड, अगर आपके पास में जमीन थी और आपने उसको जो है वो दे दी ठेके पे, ओके, और आपको ठेके की इनकम आ रही है, तो वो क्या एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, अगर आप जो है वो क्या करते हो, आपका कोई काम है जैसे सैपलिंग हो गया, सीडलिंग हो गया, या फिर वैक्सिंग हो गया, मैंने एग्जांपल दिया था जब हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर इनकम को, तो आपको मैंने बताया था कि सेब होता है, तो सेब को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए उसके ऊपर जो है वो क्या करते हैं, वैक्स लगाने का काम करते हैं, एक दवाई लगाते हैं बेसिकली, ताकि वो लंबे समय तक क्या रहे, प्रिजर्व रहे, ओके। तो वो एक्टिविटी जो होती है ना वो भी आपके जो है वो इंक्लूड होती है किसमें, एग्रीकल्चर इनकम में, ठीक है जी। दूसरा, इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर आपके पास कोई जमीन थी, उस जमीन को अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए यूज करते हो, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, वो अदर सोर्स के अंदर जाएगी। अगर कोई घर है, कोई प्रॉपर्टी है, उसको अगर आप यूज करते हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने में, तो फार्म हाउस की इनकम बोलते हैं उसको, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो इनकम फ्रॉम फार्म हाउस एग्रीकल्चर इनकम है, ये बात दोबारा ध्यान रखना, ये जो इनकम है ना, कौन सा इनकम फ्रॉम लैंड, जो खाली जमीन थी उसको अगर आप यूज कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए, तो ये जो इनकम है ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। तो आंसर क्या, बी सी एंड ई। चलो भाई चलो आगे, अगला क्वेश्चन बोलते हैं विच आर द एप्रोप्रिएट टैक्स प्लानिंग, इनमें से कौन सी एप्रोप्रिएट टैक्स प्लानिंग परस्पेक्टिव है इन केस ऑफ शटडाउन और कंटिन्यू डिसीजन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो बोलता है अगर मान लो आपको बिजनेस ऑपरेशन कर रहे हो और आपको ये डिसाइड करना है कि यार मैं ये बिजनेस ऑपरेशन को चलाते रहूं, कंटिन्यू रखूं इसको, या फिर मैं इसको शटडाउन कर दूं, तो उसके लिए इनकम टैक्स के परस्पेक्टिव से आप क्या क्या चीजें जो है वो कंसिडर करते हो। सबसे पहला ये देखना होता है कि बिजनेस लॉस या अनएज डेप्रिसिएशन जो है आप उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और वो सेटअप होगा किससे, तो किसी दूसरे बिजनेस या गेन से, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है, एक तो आप इसको कंसिडर करते हो। दूसरा, लॉस मेकिंग एंड द प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में मर्ज टू अवेल द टैक्स बेनिफिट, नहीं। टैक्स बेनिफिट जो होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB या 115VT, वो क्या हो जाएगी, विड्रो। अगर आपने बिजनेस को शटडाउन कर दिया तो ये जो डिडक्शन आपको मिल रही थी ये अब क्या हो जाएगी, विड्रो। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और फिर आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा किस पे, ऑन व्हिच द बिजनेस इज डिसकंटिन्यू, तो ये भी आप कंसीडर करते हो। दूसरा, कंडीशन ऑफ सेक्शन 80IBIC ऑफ द एक्ट, डिडक्शन इज अलाउड टू सच अंडरटेकिंग, नहीं। इफ ए पर्सन हैज मोर देन वन बिजनेस, तो लॉस मेकिंग बिजनेस जो है वो आप डिसकंटिन्यू में नोट भी, तो आपको उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जब जो आप ध्यान रखते हो, जब आप ये डिसाइड करते हो कि आपको जो है वो क्या करना है, बिजनेस को कंटिन्यू रन करना है या फिर उसको शटडाउन करना है। आगे आइएगा, आपको मैचिंग करना है, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट आउटकम दे रखे हैं और यहाँ पे आपको टैक्सेशन पर्सपेक्टिव दे रखे हैं, दोनों को आपको मैच करना है। सबसे पहला, द पर्सन इज लाइबल टू पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, तो अगर कोई पर्सन क्या करता है, टैक्स इवेजन करता है, बोले तो टैक्स की चोरी करता है, क्या कर रहा है, टैक्स की चोरी करता है, तो फिर जो है वो क्या होगा, वो पर्सन जो है वो उसको, उसके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होगा किसका, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, उसके ऊपर जो है पेनल्टी जो है वो लगेगी और प्रोसिक्यूशन भी उसके ऊपर चलेगा, मुकदमा भी चल सकता है। दूसरा, टैक्स इज रिड्यूस बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लूप होल ऑफ द लॉ, बोलता है टैक्स वो रिड्यूस हो जाएगा अगर आप जो है वो एडवांटेज होता है किसका, लूप होल, कानून में कुछ कमी थी उस कमी का बेनिफिट उठा के और आपने अपना टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करवा दिया, वो क्या है, टैक्स अवॉइडेंस, क्या है, टैक्स अवॉइडेंस। आगे, मेन एम जो होता है ना वो है कंप्लायंस विद द लीगल फॉर्मेलिटी, वो क्या होता है, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग का बेनिफिट लेने के लिए हमारे द्वारा जो स्टेप उठाए जाते हैं, दीज आर नोन एज द टैक्स मैनेजमेंट, ओके। एंड लास्ट इज द, इट इज अ गाइड इन द डिसीजन मेकिंग, वो है आपका टैक्स प्लानिंग, ठीक है भाई, ठीक है। आंसर है 3, 2, 1, 4।
चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बोलता है एक्स वाज अपॉइंटेड ऑन 1 जुलाई 2022 को एक लेक्चरर, मिस्टर एक्स थे और वो जो है वो लेक्चरर जो है वो अपॉइंट होगी यूनिवर्सिटी में। जैसे आप जो है वो कुछ समय के बाद में लेक्चरर बनोगे, देन उसके बाद में जो है वो बढ़िया तरीके से आपका रिक्रूटमेंट होगा, यूनिवर्सिटी में जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, बच्चों को बढ़िया तरीके से पढ़ाओगे, मस्त तरीके से बड़ा एंजॉय करोगे, ठीक है। तो आप लोगों की बात कर रहे हैं, बोलता है कि मान लीजिए एक्स को जो है अपॉइंटमेंट मिला 1 जुलाई 2022 को, कब मिला 1/7/2022 को, लेक्चरर बन गया वो। ही वॉज कंटिन्यू ऑन 30th April 2023 और उसने जो है वो 30 अप्रैल 2023 तक जो है वो क्या किया, कंटिन्यू किया। बोला 30/4/2023 तक क्या किया, कंटिन्यू। व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ये 2023-24, आपका जो असेसमेंट ईयर 23-24 है जो कब से स्टार्ट होगा 1/4/2023 से, और ये एंड कब होगा, ये होगा जी 31/3/2024। ओके, तो बोलता है आपको इसका प्रीवियस ईयर बताना है, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, अगर आपकी आपका काम ही शुरू कब हुआ 1/7 से, तो 1/7 से लेकर के और कब तक का 31/3/23 तक का जो पीरियड है ये है आपका प्रीवियस ईयर, और ये जो ईयर है ये है आपका असेसमेंट ईयर। तो ये स्टार्ट कब होगा 1/7/2022 से, और ये एंड कब होगा 31/3/2023। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है इट इज एन आर्ट ऑफ डोजिंग टैक्स विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ। बोलता है ये एक आर्ट है जिसमें आप जो है वो क्या करते हो, डोज करते हो टैक्स को, मतलब टैक्स लायबिलिटी को आप रिड्यूस करोगे और लॉ को ब्रेक नहीं करोगे। तो ये है आपका टैक्स अवॉइडेंस, जिसके अंदर आप जो है वो क्या करते हो, लूप होल का जो है वो बेनिफिट उठाने का काम करते हो, ठीक है जी। आगे, पर्सन नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, और उसके लिए मतलब अगर कोई एनआरआई है, फिरंगी आदमी है, तो फिरंगी आदमी के लिए जो है वो टीडीएस के रेट्स जो है वो बताने हैं आपको, ऑन द इनकम ऑफ डिविडेंड, तो उसके ऊपर उसको 20% के रेट से जो है वो क्या करना पड़ेगा, टीडीएस कटेगा। तो जब भी कोई कंपनी जो है वो अगर किसी फिरंगी को जो है वो क्या करती है, डिविडेंड का भुगतान कर रही है, तो वो पहले टीडीएस काट लेगी एट द रेट ऑफ कितना, 20%। ओके, ऑन इनकम बाय वे ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है ना, तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स रेट कितना है, 15% है। ऑन इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, अगर उसने हॉर्स रेस से, गैम्बलिंग से अगर कोई पैसा कमाया, तो उसके ऊपर कितना, 30%। एंड ऑन इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, अगर उसने जो है हमारी भारत सरकार से जो है वो कोई भी रॉयल्टी का इनकम कमाया या कोई भी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस कमाया, तो उसको जब भी पेमेंट करेंगे तो 10% की रेट से जो डेप्रिसिएशन 10% की रेट से जो टीडीएस पहले से काट लेंगे। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, 3/4/1/2। आगे बढ़िए, विच आर द कंडीशन, इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है इन विच यूनिलेटरल रिलीफ इज ग्रांटेड इन केसेस वेयर सेक्शन 90, बोलो तो DTAA, जहां पर सेक्शन 90 बोलो तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे यूनिलेटरल रिलीफ जो है वो ग्रांट किया जाएगा, मतलब आपको बतानी है अगर आपको यूनिलेटरल रिलीफ लेनी है। अब यूनिलेटरल रिलीफ हमने पढ़ा था एक तरफा प्यार जो जिसको डील करता है सेक्शन 91, तो अपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 91 जो है वो डील करता है किसको, बोलो यूनिलेटरल रिलीफ को, और सेक्शन 90 किसको डील करता है, DTAA। तो ये बोलता है कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करनी है, इन विच अगर कभी ऐसा हुआ कि यूनिलेटरल रिलीफ में आपको कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, अगर सेक्शन 90 इज नॉट एप्लीकेबल, इसका मतलब अगर मान लो हमारी भारत सरकार का दूसरे देश की गवर्नमेंट जिसके जहां से आपने पैसा कमाया, ओके, और उनके साथ अगर हमारा जो है वो DTAA नहीं है, तो फिर आपको वहां तो टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि इनकम का जो सोर्स है वो तो फॉरेन कंट्री है, तो फॉरेन कंट्री में टैक्स पेमेंट करा है। जब आप इंडिया आओगे तो इंडियन गवर्नमेंट बोले अरे हमारे बंदे आ गए, पैसा कमा गए हमारे, चलो हमको भी क्या करो, टैक्स पेमेंट करो। लेकिन आप क्या बोलोगे, माई बाप एक बार टैक्स में बाहर पे कराया, दोबारा मुझसे मत लो, बच्चे की जान लोगे क्या। तो गवर्नमेंट बोली यार बात तो सही है यार, बेचारा एक बार पहले भी टैक्स का भुगतान कराया, अब दोबारा पे करना पड़ेगा, चलो तुम्हें यूनिलेटरल रिलीफ देते हैं। माना हमारा दूसरे देश के गवर्नमेंट के साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता मत करो मेरे भाई, तेरे को हम जो है वो क्या देंगे, रिलीफ देंगे। उसको डील करता है सेक्शन 91, कौन डील करेगा, सेक्शन 91। और सेक्शन 91 की अगर बात करते हैं तो सेक्शन 91 जो है वो उसकी कुछ कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर आपको सेक्शन 91 की रिलीफ लेनी है तो आपको कुछ कंडीशन उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नंबर वन, पहला रिलीफ उसी को मिलेगा अगर एसएससी जो है वो क्या, रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा, इनकम जो है वो आपने एक्रू, इनकम आपकी कहां एक्रू हुई हो, आउटसाइड इंडिया, इनकम जो है इंडिया के बाहर आपने कमाई है। दूसरा, एसएससी शुड नॉट हैव बीन पेड टैक्स, अगर आप बाहर टैक्स ही पे नहीं करके आए तो क्या कोई रिलीफ मिलेगा, नहीं। इनकम शुड नॉट एक्रू आउटसाइड इंडिया, अगर इनकम आउटसाइड इंडिया एक्रू ही नहीं हुई तो कोई रिलीफ मिलेगा, नहीं। इनकम शुड बी टैक्स बोथ इन इंडिया एंड फॉरेन कंट्री विद विच इंडिया हैज नो एग्रीमेंट फॉर रिलीफ, बिल्कुल सही बात है, जिसके साथ हमारा DTAA नहीं है तो ही आपको जो है वो सेक्शन 91 के अंदर जो रिलीफ मिलेगी। तो आंसर क्या है, ए बी एंड ई। चलो जी, चलो आगे।
टैक्स प्लानिंग जो है वो क्या होता है? टैक्स प्लानिंग जो है एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर असेसी जो है वो क्या करता है, टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो भी अपने को प्रोविजन दिए हुए हैं उन प्रोविजन का बेनिफिट उठाते हुए वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करवाता है, ठीक है ना। विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द लॉ रहते हुए जो है हम क्या करते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करवाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टैक्स प्लानिंग। तो बोलते हैं टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, टैक्स प्लानिंग में कौन कौन से फीचर आएंगे। तो पहला ये है टैक्स प्लानिंग इट इज इनहेरेंट राइट, क्या ये जन्मजात अधिकार है टैक्स पेयर का? अरे सर क्या बात करो, अगर वो बेनिफिट लेगा तो ही उसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप जो है वो मान लो प्रोविडेंट फंड में कुछ कंट्रीब्यूट करोगे तो ही तो सेक्शन 80C का रिडक्शन मिलेगा, अगर नहीं किया तो नहीं मिलेगा आपको। तो क्या आपका इनहेरेंट राइट है? नहीं सर। दूसरा इट हैज ओरिजिनेट फ्रॉम द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एग्जम्पशन रिडक्शन, बिल्कुल सही बात है। ये जो राइट आपको है टैक्स प्लानिंग का जो राइट है वो कैसे मिलता है, जब आपको कोई रिडक्शन या एग्जम्पशन जो आपको ग्रांट करते हैं तो आपको ये राइट मिलेगा। यस ट्रांजेक्शन टेक द फॉर्म ऑफ कलरेबल डिवाइस, नहीं सर कलरेबल डिवाइस वो नहीं होते हैं, लुभाने वाले हैं क्या? नहीं। क्या ये लीगल और एक्सेप्टेड है जुडिशियरी के द्वारा, क्या हमारा कोर्ट इसको जो है वो सहमति देते हैं? यस। क्या ये बेस है ऑन द प्रिंसिपल डिस्क्लोजर पे? यस। आंसर क्या आएगा? बी डी एंड ई। चलो जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सपेंस आर एक्सप्रेसली डिसअलाउ, कौन से ऐसे एक्सपेंस है जिनको हम क्या करेंगे डिसअलाउ करेंगे अंडर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो जबकि आप पीजीबीपी बोलो तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, अगर आप इसकी इनकम को कंप्यूट करेंगे तो कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जिसकी आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी? पहला सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया, अगर आपने जो इंडिया के बाहर को सैलरी का क्या किया पेमेंट किया और आपने टीडीएस अगर नहीं काटा तो फिर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। वेल्थ टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई पेमेंट करी तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए डिडक्शन मिलेगा। कोई एक्सपेंडिचर कर दिया इनकर्ड बाय द कंपनी ऑन द नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए डिडक्शन मिलेगा। कोई इंटरेस्ट रॉयल्टी या फीस का पेमेंट किया आउटसाइड इंडिया, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर जब तक टीडीएस नहीं काटेंगे। तो इन दोनों में अगर इंडिया के बाहर अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो ना उसका डिडक्शन अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो पहले टीडीएस उसके ऊपर कटा होना चाहिए, और टीडीएस अगर नहीं काटा तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या, ए बी एंड ई। चलो जी आगे पिन मनी चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर पढ़ा था, पिन मनी जो है इज यूज फॉर, पिन मनी किसके लिए यूज होते हैं? तो अगर मान लो हस्बैंड जो है वो कमा के आया, थका हारा घर आया, वाइफ बोली अरे सुनो जी मुझे कल जो है वो 1 किलो चीनी लेके आनी है, चीनी खत्म हो चुकी है, कृपया करके मुझे 50 रुपए का नोट दे दो, हस्बैंड ने 50 रुपए दे दिए, दैट 50 रुपीज इज नोन एज द पिन मनी। घर का खर्च चलाने के लिए हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पिन मनी। तो पिन मनी जो है वो क्या, इज यूज फॉर वुमन गेट फ्रॉम हर हस्बैंड सर्टेन अमाउंट, तो घर का खर्चा चलाने के लिए बेसिकली इसको यूज करते हैं। चलो 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 आगे, और पिन मनी क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। आगे व्हेन नो लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन एडवांस, बोलता है किस केस में एडवांस टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो क्या है लेस देन 10,000 है तो फिर वहां पर एडवांस टैक्स प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। चलो 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 बोलते हैं एक बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यू, एक बिजनेस जो है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा इन द प्रीवियस ईयर 2021-22 में, ठीक है। तो बिजनेस लॉस का जो है वो क्या होगा, तो अगर आपने जो है बिजनेस जो है उसको बंद कर दिया प्रीवियस ईयर 2021-22 में तो जो बिजनेस लॉस है उसको आप क्या करोगे, तो उसको अदर बिजनेस के, अगर मान लो आपका कोई दूसरा बिजनेस भी है तो वहां से आप उसका सेट ऑफ कर सकते हो। तो इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेन द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो कोई और बिजनेस प्रोफेशन है तो वहां से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। आ गया ये, व्हाट आर द करेक्ट स्टेप फॉर प्रोसीजर ऑफ ई फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न, जब कभी भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न का जो है वो क्या करना है, फाइलिंग करना है इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपको जो है वो क्या करना है पे करना है तो प्रोसीजर जो है क्या होता है। तो जब भी जैसे साल खत्म होगा असेसमेंट ही रहेगा तो हम लोग जो है वो कंप्यूटेशन करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर में हमने जो कुछ भी कमाया तो उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करना है। अब हम लोग जो है वो क्या क्या स्टेप को फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग जो है वो क्या करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं इनकम टैक्स की साइट पे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, रजिस्टर एंड लॉग इन ऑन द पोर्टल एंड सिलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन रिटर्न फॉर्म, कर लिया जी। करने अब दूसरा जो हमारा काम होगा वो क्या होगा, अब हम जो है उसमें जो भी डिटेल है उसको भरेंगे और टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। फिर तीसरे नंबर पे हम लोग जो क्या करेंगे जो भी टैक्स बनता है उसका जो है वो क्या करेंगे पेमेंट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जो क्या करेंगे एक XML फाइल जो है वो निकालेंगे, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे और यूज करेंगे डिजिटल सिग्नेचर को, और आखिरी में हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, यूज ऑफ द ITR फॉर्म V फॉर्म 5 एंड सेंड करेंगे ITR फॉर्म टू द CPC, ठीक है जी। आगे सेक्शन 80GC किसकी बात करता है, GGC याद आया कुछ, GGC हमने पढ़ा था, तो गधे घोड़े चराओ बोलते पॉलिटिकल पार्टी, तो हमने पढ़ा था अगर कोई भी पर्सन अदर देन कंपनी के अलावा कोई भी पर्सन जो है वो अगर पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी क्या करेगा डोनेशन देगा तो उसको डिडक्शन मिलेगी 80GC के अंदर, ठीक है ना। तो 80GC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज रिलेटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो है डिडक्शन इंस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू द पॉलिटिकल पार्टी। चलो 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 आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर टोनेज, इनमें से टोनेज जो टैक्स सिस्टम होता है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, शिपिंग बिजनेस। तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो इंडिया में आगे शिपिंग बिजनेस कर रहा है, चाहे वो फिरंगी हो चाहे वो नॉन फिरंगी हो, बोले तो चाहे वो देसी हो
चाहे वो विदेशी हो, दोनों के ऊपर टोनल सिस्टम जो है वो क्या एप्लीकेबल होता है, तो बोलते हैं इनमें से कौन सी बात जो है वो करेक्ट नहीं है, टोनल टैक्स सिस्टम, सॉरी जो देसी बंदा है उसके ऊपर ये अपना टोनल टोनेज जो टैक्स सिस्टम है वो अपना जो एप्लीकेबल है किसके लिए, ऊपर रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी बात जो है वो करेक्ट नहीं है टोनेज टैक्स सिस्टम में, तो बोलते हैं इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ इंडियन एज वेल फॉरेन कंपनी, नहीं सर फॉरेन कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, ये इंडियन कंपनी के ऊपर जो है वो क्या एप्लीकेबल है। चलो जी आगे, टैक्स ऑन डिक्लेयर डिविडेंड इज पेड बाय, जो टैक्स किस पे डिक्लेयर डिविडेंड, मतलब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड जो है वो क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और इसके ऊपर जो है कोई टैक्स पे करना है, ठीक है, उस टैक्स को बोलते थे सीडीटी या डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अब ये जो है वो क्या हो गया, वैसे बंद हो, वैसे ये पे कौन करता था, कंपनी, और आज के डेट में जो ये क्या हो गया आपका रिपील हो गया। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इनकम टैक्स, तो वो आपका डीएनएस अलाउंस जो है वो इनकम टैक्स के अंदर आते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, जो लिमिटेड कंसेशन है इनकम टैक्स के अंदर आएगा, टैक्स डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर जो है इनकम टैक्स में आता है, लेकिन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ये आपका बेसिकली जीएसटी के अंदर इसका जो रोल होता है। चलो भाई चलो आगे, इनकम रिसीव एंड एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, कोई भी इनकम जो है वो आपने रिसीव करी, ठीक है, या एक्रू अराइज जो है वो कहां पे हुई है, आउटसाइड इंडिया हुई है, कहां हुई है, आउटसाइड इंडिया हुई है, कहां, किससे, फ्रॉम ए बिजनेस विच इज कंट्रोल इन एंड द प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ठीक है, इस टैक्स इन द हैंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये क्या है, पहली बात तो ये है आपकी फॉरेन इनकम, ये क्या है फॉरेन इनकम, और फॉरेन इनकम कौन सी, पीजीबीपी, और ऐसे पीजीबीपी हेड से आई हुई फॉरेन इनकम है जो सेटअप कहां पे हुआ है, जो सेटअप इंडिया से हुआ है, तो ये इनकम जो है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी, इसके लिए भी जो है वो क्या है टैक्सेबल है, तो आंसर जो आएगा वो क्या ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द टैक्स इवेजन, इनमें से कौन सा जो रिलेटेड है किससे, टैक्स इवेजन से, तो टैक्स इवेजन में टैक्स ही चोरी से, सबसे पहला क्लेम करना बोगस एक्सपेंस, हाँ बिल्कुल, अगर आप बोगस एक्सपेंस क्लेम करते हैं तो आप ये चाह रहे हैं ना कि आपकी इनकम जो है वो क्या हो जाए कम हो जाए, और टैक्स भी क्या लगे कम लगे, यस, तो एक ये है। दूसरा, हाइडिंग द कैपिटल नेचर ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल, फिर दूसरा शोइंग सेल्स, अगर आप शो कर रहे हो सेल्स ट्रांजेक्शन को तो क्या टैक्स ही चोरी कर रहे हो, नहीं, शो कर रहे हो एक्सेस ट्रांजेक्शन, बड़ा चढ़ा के ट्रांजेक्शन को दिखा रहे हो, अपने जो खर्चों को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, तो क्या इससे भी टैक्स चोरी होती है, यस, शो करना रियल इनकम तो इससे टैक्स चोरी नहीं होती, तो आंसर क्या ए बी एंड डी। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल बाय द एसएससी टू अवेल द डिडक्शन अंडर सेक्शन 91, वही बात आ गई है, सेक्शन 91 बोलते एक तरफा प्यार यूनिलेटरल रिलीफ, तो अगर सेक्शन 91 की अगर आपको डिडक्शन को क्लेम करना है तो कुछ कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला, एसएससी इज ए टैक्स रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, बिल्कुल सही बात है, मतलब एसएससी जो है वो कौन हो, रेजिडेंट हो इंडिया का, ठीक है, डू द रेलेवेंट पीवीसीएल। दूसरा, इनकम जो एक्रू हुई है वो कहां हुई है, आउटसाइड इंडिया में हुई है, मतलब वो क्या होनी चाहिए, फॉरन इनकम, क्या होनी चाहिए, फॉरन इनकम होनी चाहिए। आगे, एसएससी ने फॉरन इनकम के ऊपर टैक्स वो विदेश में पे करके आया हो, तो बोलते एसएससी हैज पेड द टैक्स ऑन हिज और हर फॉरन इनकम इन द फॉरन कंट्री एंड इंडिया डज नॉट हैव एनी, और इंडिया का जो है उस नेशन के साथ में जो कोई भी डीटीडब्ल्यू नहीं है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए सेक्शन 91 जो है वो फोर्स के अंदर आ गया है, तो आंसर जो आएगा वो क्या है, ए बी डी एंड ई। आगे, कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर हम कंप्यूटेशन जब हम कंप्यूटेशन करते हैं किसका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, किसके लिए, लेट आउट हाउस के लिए, तो कुछ आइटम को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, अरेंज करो इन द प्रॉपर सीक्वेंस में। देखो, जब कभी भी हम लोग जो है वो इनकम कंप्यूटेशन करते हैं हाउस प्रॉपर्टी का, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे जीएवी, ग्रोस एनुअल वैल्यू, जब कभी भी हम ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इसमें अनरियलाइज्ड रेंट को पहले से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस माइनस करने के बाद फिर आपका जीएवी आएगा, फिर जीएवी में से माइनस करते हैं हम लोग क्या, म्युनिसिपल टैक्स को, फिर आएगा आपका एनुअल वैल्यू, उसमें से माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, माइनस करते हैं इंडस्ट्रियल लोन, इंडस्ट्रियल लोन सबसे पहले क्या आएगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो 1/5 होता है, और फिर आएगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो 100% होता है, ठीक है, फिर जो है वो लास्ट में जो आएगा वो आएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अरेंजमेंट कैसे होगा, सबसे पहले जो माइनस करना है क्या, सर सबसे पहले माइनस करना अनलाइज रेंट को पहले नंबर पे, फिर उसके बाद में जो माइनस करना है किसको, लोकल टैक्स म्युनिसिपल टैक्सेस को, हां जी, उसके बाद जो माइनस करना है किसको, स्टैंडर्ड डिडक्शन को, हां जी, उसके बाद जो माइनस करना है वो करना है इंटरेस्ट लोन किसका, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, हां जी, और फिर माइनस करना है किसका, इंटरेस्ट लोन पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का, तो ये आ गया पांचवे नंबर पे। चलो चलो चलो, पहले प्री है यार, ये देखो, ये थोड़ा सही कर लेना, 5 equal annual installment, ये पहले जो है वो इसकी मिलती है आपको, जो करंट ईयर का जो टैक्स इंटरेस्ट है उसकी मिलेगी, ठीक है ना, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला, ठीक है ना, ये चौथे नंबर पे, और फिर लास्ट में जो मिलती है किसकी, प्री की।
चलिए आगे अगला क्वेश्चन बोलते हैं प्रोविजन फॉर द विवाद से विश्वास, विवाद से विश्वास एक्ट जो एक स्कीम थी बेसिकली, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो इसको लेके आए और उन्होंने बोला कि अगर आपका जो भी टैक्स एरियर बनता है, जो भी अगर आपने कोई भी टैक्स में घपला घुपला कर रखा है, एक काम करो जो टैक्स बनता है ना पे कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई भी केस नहीं चलाएंगे। सिंपल सिंपल थे मोदी जी आए और आगे बोले देखो जी ऐसा है, विवाद से विश्वास एक्ट लेके आ रहे हैं, एक स्कीम लेके आ रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपने कोई चोरी चोरी करेगी और आपको डर भी लगता है तो आप एक काम करो, हम तो तुम्हें पकड़ ही लेंगे कभी ना कभी, तुम्हें काम करो जो तुम्हारा टैक्स बनता है ना चुपचाप पे कर देना, हम तुमसे कोई क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं विवाद से विश्वास एक्ट। तो बोलते हैं प्रोविजन जो थे विवाद से विश्वास एक्ट डज नॉट अप्लाई, ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, अगर आपके ऊपर केस चल पड़ा ना तो फिर आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो बोलता है इज डज नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स एरिया रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो बोलता है एन असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच प्रोसिक्यूशन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन। चलो जी आगे अंडर सेक्शन 80TB जो है अपने इनकम टैक्स एक्ट का, ठीक है, तो बोलता है आपको बताना इनमें से कितना बेनिफिट जो मिलता है। तो 80TB किसको बोलता है, ये किससे रिलेटेड है, ये आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन जो आपने बैंक अकाउंट के अंदर सेविंग का बैंक में सेविंग अकाउंट खोल रखा, तो सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको जो भी जो क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है तो उसके ऊपर आपका सेक्शन 80TB जो है वो क्या एप्लीकेबल है। तो बोलता है अंडर सेक्शन 80TB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच अमाउंट ऑफ बेनिफिट इज अवेलेबल टू द सीनियर सिटीजन ऑन अकाउंट ऑफ द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट विद बैंक और पोस्ट ऑफिस, वो कितनी है, वो इनके लिए कितना, सीनियर सिटीजन के लिए कितना, 50,000 रुपए। तो 80TB में कितना मिलेगा डिडक्शन, 50,000 का। आगे पेनल्टी जो अगर आपने जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना था लेकिन आपने फाइल नहीं किया तो पेनल्टी जो है ना वो कितने है, 10,000 रुपए, ठीक है ना, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी कितने है, 10,000। आगे एक्सपेंस दैट आर नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट फॉर कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो जब कभी भी आपकी हम इनकम कंप्यूट करेंगे, जब कभी भी आप अपनी खुद की भी जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंप्यूट करोगे तो कुछ ऐसे खर्चे जिनकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, पहला पर्सनल एक्सपेंस डिडक्शन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया और जिसके ऊपर आपने TDS नहीं काट रखा तो इनकी डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, वेल्थ टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगी, कमीशन फॉर रियलाइज डिविडेंड जो आपने इनकम कमा ली उसके ऊपर अगर कोई डिविडेंड का कोई कमीशन अगर आप पे कर रहे हो, ठीक है, उनकी डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, एक्सपेंस विच आर नॉट द कैपिटल नेचर जो कैपिटल नेचर के खर्चे नहीं है, रेवेन्यू नेचर के, उनकी डिडक्शन मिलेगा। तो आंसर क्या, ABC। आगे आइए टैक्स डिडक्शन दे रखा है, रेलिवेंट सेक्शन दे रखा है, मैचिंग करना सबसे पहला, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 80GG, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय द कंपनी टू द पॉलिटिकल पार्टी इसका सेक्शन 80GB, ठीक है ना, रेंट पेड घर घर GG, और फिर अगर कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन देती है तो उसकी डिडक्शन है 80GB में, अगर कोई पर्सन अदर देन कंपनी जो है वो कोई डोनेशन देता है पॉलिटिकल पार्टी का वो आएगा 80GC के अंदर, ठीक है, और डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशन फॉर द साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो वो आएगा 80GA के अंदर। चलो जी तो आंसर जो बनेगा वो क्या, थर्ड। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता स्टेप इन्वॉल्व्ड कौन कौन से स्टेप जो है वो क्या इन्वॉल्व्ड है, किसमें कहां गया वे? स्टेप इन्वॉल्व्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया आर फॉलो इन विच सीक्वेंस। तो बोलता है जब कभी भी आप जो है वो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो निकालना है, अगर मान लो आप जो है आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ में एग्रीकल्चर इनकम भी कमा रहे हो, ओके, तो आपकी आपके ऊपर जो टैक्सेबिलिटी है ना वो थोड़े अलग तरीके से जो है वो क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे, ओके, तो उसके लिए जो है हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे, सबसे पहले काम तो ये होगा हम आपके एग्रीकल्चर इनकम को आपके नॉन एग्रीकल्चर इनकम में एक बार ऐड करेंगे और टोटल टैक्स निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, ऐड करो एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम को, उसके ऊपर टैक्स निकाल लो, पहला कर लिया, फिर अब एक काम करो वो जो टैक्स निकल गया उसको साइड में रख दो, अब आप एक काम करो आप अपने एग्रीकल्चर इनकम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को ऐड करो और उसके ऊपर टैक्स निकालो। तो दूसरे में क्या करेंगे, ऐड करें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट टू द नॉन नेट एग्रीकल्चर इनकम और उसके ऊपर क्या निकालो, टैक्स निकालो, फिर इन दोनों का जो है वो क्या ले लो, दोनों का डिफरेंस ले लो। तो तीसरे नंबर पे जो है वो क्या आएगा, कैलकुलेट करो डिफरेंस ऑफ टैक्स इन बोथ द कंप्यूटेशन, वो डिफरेंस आ गया। अब आपको जो है वो क्या करना है, अब चौथे नंबर पे इसमें से जो है वो रेट रिबेट कुछ बनता है वो माइनस करो और हेल्थ इसके अंदर क्या करो ऐड करो और ये आपको जो है वो क्या करना है, पे करना है, सिंपल, ओके। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, DAEBC, ठीक है ना। तो अगर कोई एसएससी, देखो अगर कोई एसएससी ओनली एग्रीकल्चर इनकम कमाता है तो उसकी उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी है वो क्या है, मुक्त है, वो टैक्स फ्री है, उसको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम के साथ में अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है ना और आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 रुपए से क्या है, ज्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्या है, ज्यादा है, तो फिर आपको ये जो प्रोसीजर है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, यह ध्यान रखना है। तो कंडीशन वो 5,000 वाली भी साथ में आपको पढ़नी होती है, ओके,
जी सर। चलो जी, ये थे अपने पहले 30 क्वेश्चन। अब आओ, ये हमने इनकम टैक्स से बढ़िया वाले क्वेश्चन जो निपटा लिए, अब हम करेंगे हमारे आगे के क्वेश्चन को। इसको सेव कर लें फाइल को, फिर आपको भेजनी भी है मुझे। एक सेकेंड रुकिएगा, कंट्रोल एस। एक बात बताऊं तुमको मैं, बढ़िया वाली बता दो सर, बात ही बता दो आप। बात ये है, पेपर तुम्हारा आ गया, ठीक है ना। तुम्हें मालूम है तुम्हें पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए? बोलो बोलो, तुम लोग तैयारी करो 100% वो करना भी चाहिए। वैसे 100% का तैयारी जो है वो करना भी चाहिए, इंसान को जो है 100% की तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल अपने को टॉप करना है। लेकिन आपको ये मालूम है क्या कि आपको नंबर जो है वो कितना चाहिए? आपको नंबर चाहिए लगभग 100 में से 70% मार्क्स चाहिए जेआरएफ के लिए, बिल्कुल सिक्योर वाला। कैटेगरी वाइज एक अलग अलग है, ठीक है। और नेट के लिए लगभग 60% में, 60 से 62 के बीच में जनरली नेट जो क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपकी तैयारी कम भी है ना थोड़ी सी, चलेगा पेपर, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करना। मतलब बहुत बार जो है वो बच्चा क्या करता है, एक बात आपको बोलता हूं मैं, ये रियलिटी बात है बिल्कुल ही, कि बच्चा ये पीछे पड़ा रहेगा, मैं ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, मैं सब कुछ कर लूं, जो जहां से मिल रहा है मैं सब कुछ कर लूं भाई, मैं तो सब पढ़ के जाऊंगा। लेकिन हाँ वो बात अलग है, अच्छे से मैं कुछ भी नहीं पढ़ के जाऊंगा। तो दोनों चीजों में फर्क आ गया। आपने 80% पढ़ा लेकिन बढ़िया पढ़ा, और दूसरा आपने 100 की जगह 110 पढ़ा लेकिन सब ऐसे ही पढ़ा, तो फिर फायदा नहीं उस 110 का, ठीक है ना। जो करो बढ़िया तरीके से करो। तो अगर आपकी तैयारी कम भी है ना, चलेगा, प्रोवाइडेड कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करो तो वो आपका बढ़िया तरीके से होना चाहिए। आप बढ़िया तरीके से पेपर अटेम्प्ट आप करोगे कैसे, तो उसके लिए कुछ वही है कि क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको देखना है क्वेश्चन की एसेंस क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो अगर समझ में आ गया तो कहानी खत्म है भाई, फिर कुछ बचता ही नहीं है, फिर कुछ नहीं बचता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा जो है वो रोल प्ले नहीं करेगा, क्वालिटी रोल प्ले करेगी, एक बात हमेशा देखिएगा, ठीक है ना। तो आपको मैं यहां पे 10,000 क्वेश्चन करवा दूं कोई फायदा नहीं है, काम करो थोड़ा कर लो लेकिन बढ़िया तरीके से। 10-10 घंटे की वीडियो बना, कोई क्या उसके क्या निकलेगा, आउटकम क्या निकलेगा आपका, आपको भी तो पढ़ना है, मेन बात तो है ना, आपको भी पढ़ना है। तो इसलिए जो भी पढ़ो बढ़िया वाला पढ़ो, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा भी, मैं भी जनरली यही मैं चाहता हूं कि आपको मैं क्वालिटी कंटेंट ही चेक कम दूं, लेकिन क्वालिटी कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवाऊं, ठीक है। तो जिसमें कोई इफ बट ना हो, जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो। तो ये क्वेश्चन अगर आप जो है एग्जाम में पढ़ के जाओगे, लगभग 150 ये हो गए, 150 और 300 तो ये हो जाएंगे। इससे पहले हमने फाइनेंस के भी कर लिए, कल लीगल के भी पढ़े थे। ये क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो ना पेपर में जाने से पहले, तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको। और दूसरा जो आपको मैं समझाने चाह रहा हूं वही है कि अगर तैयारी थोड़ी कम भी है ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पास तो आराम से हो जाओगे और सबको सही रहा तो जेआरएफ भी हो जाएगा, ठीक है। बस प्रोवाइडेड ये कि पेपर जब अटेम्प्ट करो तो बहुत सोच समझ के यार, मतलब पेपर जब आप अटेम्प्ट करो ना तो आपके माइंड में यही होना चाहिए कि यार क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना आपको समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया फिर कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना जी। चलो शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट को, जो है अकाउंट्स एंड ऑडिट। चलो जी, अकाउंट्स एंड ऑडिट का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आ रहा है, बोले वो है क्या, बोलता अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर 34 क्वेश्चन इसके अंदर पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, 30 उसमें पढ़े, इसमें 34 क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोलता अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन, बोलता अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकेबिलिटी। जो भी प्रिंसिपल बनते हैं ना वो किसके बेस पर, प्रैक्टिस के बेस पर बनते हैं बेसिकली ना, कि रूटीन लाइफ के अंदर जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, ठीक है, उनके बेस पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जो है डेवलप किया जाता है। तो इसलिए बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली जो बेस होता है किसके किसके बेस पर होते हैं, प्रैक्टिकेबिलिटी के बेस पर। सेकंड, कंपटीशन ऑफ द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट शुड बी बेस्ड ऑन, तो बोलता ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इसका मतलब यह है कि जो आपके खर्चे हैं, जो भी आपके एक्सपेंस है, आप उन एक्सपेंस को जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर जो है वो क्या करोगे, लगाओगे, ठीक है ना। आपका एक पूरा का पूरा खर्चा आ गया और उसके वो खर्चा बेसिकली चार डिपार्टमेंट का आया, ठीक है, तो अब आप उनको जो है वो एलोकेट करोगे चार डिपार्टमेंट पे, वो किस बेस पर करते हो, वो आप करते हो नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पर, ठीक है जी। चलो जी आगे, अगला क्वेश्चन बोलता है ऑपरेटिंग बजट। ऑपरेटिंग बजट जो होता है ना, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। ऑपरेटिंग बजट के अंदर जनरली दो पार्ट आएंगे, जिनको क्या बोलते हैं, डैश बजट एंड डैश बजट। तो ऑपरेटिंग बजट जो होता है ना उसके अंदर दो पार्ट आएंगे, एक तो होता है प्रोग्राम बजट और एक आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रोग्राम बजट जो होगा ना वो बेसिकली बताएगा, ये डिस्क्राइब करेगा मेजर प्रोग्राम दैट द कंपनी प्लान टू अंडरटेक। जो कंपनी जो है वो सब प्रोग्राम जो कंपनी इनिशिएट करना चाहती है उनको बोलते हैं हम लोग क्या,
प्रोग्राम बजट, ठीक है। और फिर जो आएगा क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट जो है ये होता है कंट्रोल डिवाइस एक तरीके का, ठीक है। कंट्रोल डिवाइस दैट इज ये स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर। तो यहां पे आप लोग जो क्या करते हो, जो आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसके साथ में एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हो, कंपेयर करते हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटिंग बजट जो है इसमें क्या आएगा, ऑपरेटिंग बजट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। ऑपरेटिंग बजट में जो है वो दो पार्ट आएंगे, एक है प्रोग्राम बजट और एक है कौन सा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट। तो प्रोग्राम बजट जो होता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, तो प्रोग्राम बजट जो है वो डिस्क्राइब करेगा मेजर प्रोग्राम्स या मेजर इनिशिएटिव जो कंपनी उठाना चाहती है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका बजट है वो बेसिकली बताएगा ये क्या एक तरीके का कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है ना। तो ये बताएगा स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर। चलो आगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। जब कभी भी आप जो पैसा रेज करते हो कहां से, इक्विटी से, तो कुछ बातें उसके बारे में बताई गई है। सबसे पहला बोलता है कि बोरोविंग लिमिट जो है ना वो इंक्रीज होती है एज अ कंसीक्वेंस ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर। अगर आपकी इक्विटी का साइज अगर बढ़ गया तो उसके बेस पर आपकी जो बोरोविंग साइज है वो भी आपका बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, डेट इक्विटी रेशियो का यार सीधा सीधा फंड है। आप ऐसा बोलते हैं ना, डेट इक्विटी रेशियो जो है वो मतलब कितना, अगर आपका इक्विटी 1 है तो डेट मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो पहले आपका इक्विटी था 1 लाख, तो आप मैक्सिमम डेट कैपेसिटी आपकी जो थी वो कितनी थी, 2 लाख रुपए। अब कल को अगर आपका ये बढ़ गया और ये बढ़ के जो है 1 से जो है वो हो गया मान लो 3 लाख, अब ये बताओ एक बार आपकी डेट कैपेसिटी 2 लाख ही रहेगी या बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कितना। अब आप मैक्सिमम जो डेट आप ले सकते हो वो कितना ले सकते हो, इसका दुगना, 3 लाख का दुगना बोल दो 6 लाख रुपए। यस और नो? यस। तो सबसे पहला क्या बोलता है, अगर कभी भी आप जो है वो क्या करते हो, इक्विटी फाइनेंसिंग से अगर पैसा रेज करते हो तो उससे क्या होगा, जो बोरोविंग लिमिट है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर। दूसरा, ऑर्डिनरी शेयर आर जनरली क्या, नॉट रिडीम। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनरी शेयर जो होते हैं ना, मतलब जो आपके इक्विटी शेयर है वो रिडीमेबल नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर इश्यू द न्यू शेयर, अगर आप नए शेयर को इशू करते हो ना तो उससे क्या होगा, आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो कई बार डायल्यूट हो जाएगा। अगर मान लो नए शेयर इशू कर तो कर दिए, लेकिन अगर मान लो प्रॉफिट जो है वो उतना नहीं बढ़ा तो फिर क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग जो आपका ईपीएस आ रहा था ना वो अब आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। उसको बोलते डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब कम होना एक तरीके से, क्या होना, कम होगा। तो बोलता है इश्यू ऑफ द न्यू शेयर वो क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा आपके ईपीएस को, इफ द प्रॉफिट डू नॉट इंक्रीज इमीडिएटली इन द प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर। आगे, अगर मान लो आप इक्विटी फाइनेंसिंग करते हो तो उससे जो हो क्या होगा, ए कंपनी इज नॉट लीगली ओब्लाइज टू पे द डिविडेंड। बिल्कुल सही बात है, प्रेफरेंस के ऊपर आपकी लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि आपको डिविडेंड का भुगतान करना होता है, लेकिन इक्विटी के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड का भुगतान करना नहीं होता। आगे, ऑर्डिनरी शेयर आर लेस रिस्कियर होते हैं फ्रॉम द इन्वेस्टर परस्पेक्टिव से, लेस रिस्की होते हैं। अरे भैया, ऑर्डिनरी शेयर सबसे ज्यादा मोर जो है वो रिस्कियर होते हैं, तो ये आपका नहीं आएगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए बी सी एंड डी। चलिए आगे, आगे क्वेश्चन आया और वो बोलता है आइडेंटिफाई करो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। तो बोलता है आइडेंटिफाई करो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी जो इन्वॉल्व है किसमें, द प्रोसेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। तो जब कभी भी कोई कंपनी जो है वो क्या, वो ये चाहती है कि जो कंपनी ने शेयर जो है वो मार्केट के अंदर इशू किए हैं, अगर आप उसको जो है बायबैक करना चाहते हो तो उसके लिए जो है कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है, अगर आप बायबैक करना चाहते हो तो आप पहले जो है कंपनी क्या करेगी, वो बोर्ड मीटिंग करेगी। बोर्ड मीटिंग करने के बाद फिर वो जो है बोर्ड मीटिंग के अंदर सारे डायरेक्टर आ गए, फिर उसके बाद में जो है शेयर होल्डर को इंटीमेट करेंगे, उनको बताएंगे भैया हम जो है वो क्या करना चाहते हैं, बायबैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए ईजीएम जो है वो बुलानी पड़ेगी, ठीक है। ईजीएम बुलाने के बाद इमरजेंसी जनरल मीटिंग बुलाएंगे, फिर उसके बाद में हम डिक्लेयर करेंगे क्या, सॉल्वेंसी। डायरेक्टर ये बताएगा कि भैया हम जो है वो क्या सॉल्वेंट है, हमारे पास पैसे पड़े हैं। फिर लेटर ऑफ ऑफर जो है भेजा जाएगा शेयर होल्डर को, और फिर एक बैंक अकाउंट जो है ओपन किया जाएगा। तो ये आपका जो प्रोसेस होता है, अगर कोई कंपनी जो है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर को दोबारा ओपन मार्केट से क्या करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं अपने शेयर होल्डर से, तो उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर। तो ये प्रोसेस आपको जो फॉलो करना पड़ेगा। चलो जी आगे, विच कॉन्सेप्ट, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि प्रॉफिट आर नॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द टाइटल टू द गुड्स पासेस टू द कस्टमर, नॉट नेसेसरी व्हेन द मनी चार्ज चेंजेस हैंड। तो बोलता है कौन सा ऐसा, आपके पास में कई सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उनमें से कौन सा ऐसा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि प्रॉफिट को कब रियलाइज करोगे, मतलब ये है कि रेवेन्यू को कब रियलाइज करोगे, जब टाइटल जो है बोले तो ओनरशिप जो है ट्रांसफर हो जाएगी, पैसा मिला नहीं मिला उससे लेना नहीं है। तो ये है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। आगे, कैश फ्लो आर ग्रुप इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर इंड एस 3 इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैटेगरी। कितनी कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी है, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो जी आगे, एन अनफेवरेबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस इंडिकेट क्या करता है, अनफेवरेबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, क्या वॉल्यूम वेरियंस। तो वॉल्यूम वेरियंस बेसिकली जो है वो क्या इंडिकेट करता है, ये बताएगा एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो क्या है, कम है किससे, नॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट से। तो ये है आपका वॉल्यूम वेरियंस। तो जब एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो क्या है, कम है किससे, नॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट से, तो ये है आपका वॉल्यूम वेरियंस। आगे, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द स्टॉक होल्डर,
शेयर होल्डर के व्यू पॉइंट से विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज एट द लीस्ट सिग्निफिकेंट, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप जो है वो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंस है, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर शेयर होल्डर जो ज्यादा ध्यान नहीं देगा, मतलब जो डिसीजन जो शेयर होल्डर के डिसीजन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगा, वो क्या है, वो है नेट इनकम इज ग्रेटर। अगर मान लो किसी कंपनी की नेट इनकम जो है उसके वर्किंग कैपिटल अमाउंट से जो मतलब नेट इनकम जो है वो वर्किंग कैपिटल से ज्यादा है, तो उससे हमारा कोई ज्यादा, हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि रिटर्न कितनी निकल के आ रही है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर जो है वो शेयर होल्डर ज्यादा फोकस नहीं करता है। आ जाइएगा मैचिंग करना है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट आइडेंटिटीज को, और यहां पे अंडरलाइंग मेजरमेंट दे रखी है, आपको मैच करो। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कैसे निकालते हो, सेल इनटू में पीवी रेशियो निकाल लो, सेल इनटू पीवी रेशियो तो आएगा कंट्रीब्यूशन, उससे माइनस करो फिक्स कॉस्ट, तो वो आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है जी। पीवी रेशियो जो है उसका कंप्यूटेशन कैसे करते हो, सेल प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट, तो आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू में 100 करोगे तो पीवी रेशियो आएगा, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल में से अगर आप ब्रेक इन पॉइंट सेल को माइनस कर दोगे तो आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो मतलब कंट्रीब्यूशन का मार्जिन का मतलब क्या होता है, जब सेल में से माइनस करते हो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को तो आएगा आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन। आगे अब आपको जो है वो क्या करना है, कुछ रिसर्च का आउटकम दे रखे हैं और रिसर्च की स्टडी इनको जो मैच करना है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। लो प्राइस अर्निंग रेशियो स्टॉक आउट परफॉर्म हाई प्राइस अर्निंग रेशियो स्टॉक, ठीक है ना, तो जो आपका लो प्राइस अर्निंग रेशियो होती है ना, अर्निंग रेशियो स्टॉक जो है वो क्या आउट परफॉर्म करता है किसके मुकाबले में, हाई प्राइस अर्निंग जो हाई पी रेशियो वाला होता है उसके मुकाबले, तो ये बात बोली थी बासो ने, ठीक है, याद करना पड़ेगा। लो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जो है ग्रोथ रेट स्टॉक आउट परफॉर्म करता है हाई पीजी, ये बोला था पीटर्स ने। स्मॉल फर्म कंसिस्टेंटली एक्सपीरियंस करती है लार्जर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का, ये बात बोलती बेंज ने। और हाई बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू रेशियो स्टॉक यील्ड हायर रिटर्न, ये बोली थी आपका फॉर्म एंड फ्रेंच ने, तो लर्न करके जाना पड़ेगा ये तो। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है इनमें से कौन सी उसकी लिमिटेशन नहीं है, तो बोलते हैं इट इन्वॉल्व वेरियस सपोर्ट एक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट, तो इसमें बहुत सारी सपोर्ट एक्टिविटी आती है इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट, ये बात सही है, और ये लिमिटेशन नहीं बल्कि ये उसके क्या एडवांटेज है, बिल्कुल। आगे अरेंज द स्टेप ऑफ द प्रोसेस कॉस्टिंग फ्रॉम बिगनिंग एंड एंडिंग विद द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, तो आप कैसे कैसे करते हो, तो सबसे पहले हम लोग जो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समरी बनाएंगे फ्लो फिजिकल यूनिट का, तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, जब कोई सामान जो है वो सिंगल स्टेप में जो है वो प्रिपेयर ना होके वो कई सारे स्टेप को फॉलो करके आप जब प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए उस वहां पे जो है जो कॉस्टिंग टेक्निक हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो है वो हम कैसे वैल्यूएशन करते हैं, तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, पहले समरी बनाएंगे, ठीक है, कि फ्लो फिजिकल यूनिट जो कैसे होगा, मतलब जो गुड्स है वो कहां कहां से जो निकल के आएंगे, पहले हम ये देखेंगे समरी। तो सबसे पहले नंबर पर तो समरी हो गया, फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, कर लिया। फिर हम क्या करें, समराइज करेंगे टोटल कॉस्ट टू अकाउंट फॉर द वर्किंग प्रोग्रेस इन्वेंटरी, कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग कंप्यूट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट है वो निकाल लेंगे, कर लिया। और लास्ट में हम लोग जो वो क्या करेंगे, असाइन करेंगे टोटल कॉस्ट टू द यूनिट कंप्लीटेड एंड द यूनिट इन एंडिंग वर्किंग प्रोग्रेस। इस तरीके से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो है वो क्या करेंगे, ये स्टेप को लगाने का काम करते हैं। चलो जी आगे, को अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे पर्पस या एप्लीकेबिलिटी उतार के आपको मैचिंग करना। सबसे पहले गोइंग कंसर्न जो है वो क्या, तो गोइंग कंसर्न जो है वो क्या है, एंड इन गोइंग कंसर्न कहाँ पे इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, तो जब कोई कंपनी जो है वो या कोई भी एंटिटी अगर दिवाली हो रही है ना, तो वहां पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन होगी फॉर किसके लिए, अगर कोई फर्म जो है वो क्या बैंकक्रप्ट हो रही है, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो क्या बोलता है कि सेम अकाउंटिंग मेथड को जो हम लगातार क्या करते रहेंगे, पीरियड बाय पीरियड यूज करते रहेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि नॉर्मल बेसिस जो है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है नॉर्मल बेस है किसका, जिसके बेस पर हम लोग जो क्या करते हैं अकाउंटिंग करते हैं एसेट की। मटेरियल कॉन्सेप्ट जो क्या बोलता है, इट रिलेट टू डायरेक्ट रिलेटिव साइज और इंपोर्टेंस ऑफ द आइटम और इवेंट, तो ये बोलता है कि जो भी मटेरियल आइटम है उसकी जो है हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, 3142। चलो भाई आगे, ए एंड बी इक्वल पार्टनर थे, ठीक है, और उनकी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो गई, ए और बी दो पार्टनर थे, उनकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, ठीक है। जब डिसॉल्यूशन हुआ तो उस टाइम पे उनकी जो कैपिटल थी वो थी 40,000 और 50,000, ठीक है। आफ्टर ऑल दी एसेट आर सोल्ड, जब सारी की सारी एसेट का भुगतान हो गया एंड लाइबिलिटी का जो है वो क्या हो गया, पेमेंट हो गया, देयर इज अ कैश बैलेंस बचा कितना, 80,000 का, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द रियलाइजेशन, वो कितना होगा। तो देखो यहां पे अगर आपको निकालना है तो देखो आफ्टर डिसॉल्यूशन जो है वो कैपिटल दोनों की कितनी थी, 40,000 और 50,000, बोले तो इनकी कितनी थी, 90,000। अवेलेबल कैश आपके पास में था वो कितना था, 80,000, तो लॉस है वो कितना होगा, टोटल कैपिटल माइनस में कर लो कैश अवेलेबल, तो आपके टोटल कैपिटल जो आपको पेमेंट करनी है वो तो कितनी, 90, लेकिन अब आपके पास पड़ा कितना पैसा, सिर्फ 80, तो भैया 10,000 जो है वो क्या हो गया, लॉस हो गया।
चलो जी आगे फ्रॉम द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से विच आर द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑडिट। तो एनवायरमेंट ऑडिट जब हम करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं? सबसे पहला एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट करते हैं, यस। सोशल ऑडिट नहीं सर, ये मैनेजमेंट एनवायरमेंट ऑडिट का पार्ट नहीं है। कंप्लायंस चेक करते हैं कि क्या कंपनी ने जो है वो एनवायरमेंट नॉर्म्स को जब फॉलो किया नहीं किया, हाँ जी करते हैं। साइट प्रॉपर्टी ऑडिट करते हैं, क्या साइट पर जाकर के हम चेक करते हैं कि क्या कंपनी ने जो है वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो है वो सही से जो है वो इक्विपमेंट्स का अरेंजमेंट किया हुआ नहीं किया, यस। एनर्जी ऑडिट करते हैं, नहीं वो सेपरेट फिनोमेना है। तो आंसर जो आएगा वो ए सी डी। आगे गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट एक असक्षम एक रीजनिंग है। सबसे पहले बोलते हैं व्हेन ए पार्टनर रिटायर, जब कभी एक पार्टनर जो क्या होगा रिटायर होगा तो जितने भी एसेट और लायबिलिटी है ना उनको रीवैल्यू किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द करंट वैल्यू। ये बात एकदम क्या करेक्ट है, जब कभी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो भी हम लोग क्या करते हैं एसेट एंड लायबिलिटी को जो क्या करते हैं रीवैल्यू करते हैं, सही है। बोलते हैं बैलेंस शीट जो है वो शो करनी चाहिए करेक्ट वैल्यू ऑफ द एसेट लायबिलिटी, ये बात भी एकदम क्या सही है, लेकिन रीजनिंग जो है ये इसका करेक्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर रीजनिंग ऊपर होती ठीक है बैलेंस शीट जो है वो शो करनी चाहिए करेक्ट वैल्यू एसेट लायबिलिटी का, और फिर बोलता है कि जब एक पार्टनर रिटायर तो एसेट लायबिलिटी को हम रीवैल्यू करते हैं, ये फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। तो दोनों बातें सही है लेकिन जो रीजनिंग है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रही है। आगे PRM पार्टनर से एक फर्म के अंदर ठीक है वो शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में 3:2:1 के अंदर। 1 अप्रैल को R जो है वो क्या हो गया रिटायर हो गया और गुडविल जो है फर्म की वो आपको वैल्यू करने 2 ईयर परचेज बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, और 3 साल का प्रॉफिट आपको जो है वो ये दे रखा था ठीक है। ये डिसाइड किया गया डेट द शेयर ऑफ गुडविल को हम एडजस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ द P&M से, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ P&M ये निकालना है। तो देखो सबसे पहले आप गुडविल निकालो, गुडविल जो है वो कैसे निकालनी है 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। तो 3 साल का जो प्रॉफिट था वो कितना था 3,60,000, इसको डिवाइड कर दो 3 से तो ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट, हाँ जी, इनटू मैं करूंगा अगर 2 तो ये आएगा मेरा कितना 2,40,000, ये आ गई मेरी क्या गुडविल। ओके अब जो है आर का शेयर जो गुडविल में कितना है, तो आर का शेयर है 2/6 ठीक है, तो 2,40,000 में 2/6 जो करेंगे तो कितना आ गया 80। अब ये 80,000 जो है वो कौन लेके आएगा, ये 80,000 जो है वो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो पे करेंगे किसको रिटायरिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है पी और एम, और पी और एम जो है वो किस रेशियो में देंगे आप क्वेश्चन नहीं आते। तो देखो जी इनका रेशियो क्या था 3:2:1 ये चला गया, तो बाकी जो है वो क्या कौन बचे 3:1 ठीक है ना, मतलब ये पी और एम बचे, तो जो ओल्ड रेशियो वही क्या हो जाएगा आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा 3:1 में, तो ये 60,000 और 20,000, तो ये जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलो जी आगे विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये एक बात ये ध्यान रखना यहां पे अगर एंट्री की अगर पूछ ले तो एंट्री जो है वो क्या होगी, तो एंट्री ये होगी कौन कौन था पी एम, तो एंट्री ये होगी भाई देख लेना पी डेबिट एम डेबिट टू आर, आर को मिलेंगे कितना 80,000 और पी के खाते से जाएंगे कितने 60,000 और यहां से कितने 20,000, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। चलो आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एनुमरेट द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट, इनमें से कौन से जो है वो फीचर है किसके मैनेजमेंट ऑडिट के आपको ये बताना है। सबसे पहला क्या मैनेजमेंट ऑडिट में हम अप्रेजल करते हैं बहुत पॉलिसी एंड एक्शन का, जो भी कंपनी है उसकी पॉलिसी एंड एक्शन को जो हम क्या करते हैं यहाँ पे अप्रेज करते हैं, हाँ जी। मैनेजमेंट ऑडिट जो वो प्रिवेंट करता है एज अ क्यूरेटिव चेक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, नहीं सर। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड होता है, नहीं सर, ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड है। इट इज अ डायनेमिक एंड रिजल्टेड रिजल्ट ओरिएंटेड रादर देन सिंपली प्रोसीजर बाउंड, बिल्कुल सही बात है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। दूसरा ये इंश्योर करता है साउंड एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यस। आंसर क्या आएगा ए डी एंड ई। आ जाइएगा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपको यहाँ पे अप्रोच दे रखे और यहाँ पे उसको जो है वो किसने डेवलप किया वो बता रखा है। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच जो है वो दिया था किसने, हैकिमिन एंड जोन्स ने। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो दिया किसने आपका, रेंसिस लीकट ने। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो वो दिया आपका ब्रह्मट फ्रेमवर्क्स एंड पाइली ने। स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच जो है वो दिया किसने, डेविड वॉटसन ने। तो आंसर क्या आएगा 4। आगे इन ए सिचुएशन जहां पे होल्डिंग एंड द सब्सिडियरी कंपनी ओन शेयर इन ईच अदर, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के शेयर को होल्डिंग कंपनी है तो बट उससे सब्सिडियरी के शेयर ले रखे होंगे और सब्सिडियरी ने भी कुछ शेयर होल्डिंग कंपनी के ले रखे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या क्रॉस होल्डिंग। आगे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैचिंग करना, शेड्यूल बता रहेगा। शेड्यूल 3 जो है वो किसकी बात करता है सर, शेड्यूल 3 बेसिकली जो है वो डील करता है किसको, प्रिपरेशन वाला। शेड्यूल 3 के अंदर जो है वो आपको प्रोसीजर दिया हुआ है या आपको फॉर्मेट दिया हुआ है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का, जिसके अंदर प्रिपरेशन द बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। शेड्यूल 4 की अगर बात करें तो इसमें आपको दे रखा है कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। शेड्यूल 5 के अंदर जो है वो बता रखा है किसके बारे में सर, शेड्यूल 5 की अगर बात करते हैं तो उसके बाद उसके अंदर बता रखा है अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन टू मैनेजरियल पर्सनल। और शेड्यूल 7 के अंदर जो है वो बात की हुई है किसके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज के बारे में। चलो जी आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अरेंज द स्टेप्स फॉर द वेरिफिकेशन एंड वैल्यू ऑफ द फर्नीचर एंड फिक्स्चर बाय एन ऑडिटर। तो जब कभी भी ऑडिटर जो है वो क्या करना, वो अगर मान लो फर्नीचर को अगर उसने वेरीफाई करना है, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्स्चर को अगर उसने जो उनकी वेरिफिकेशन करनी है, तो वो किन किन स्टेप्स को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो क्या आएगा, सबसे पहले जो है वो ऑडिटर जो है वो क्या देखेगा, वो वेरीफाई करेगा विद रेफरेंस टू परचेज इनवॉइस चेक करेगा, ठीक है ना, कि क्या कंपनी ने इसको एक्चुअल में परचेस किया भी है या नहीं किया है। इनवॉइस चेक करने के बाद फिर वो जो है वो क्या चेक करेगा, स्टॉक रजिस्टर की क्या स्टॉक रजिस्टर में एंट्री हुई भी है या नहीं हुई है। फिर उसके बाद वो देखेगा कि जो डिफरेंट 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 टाइम फ्रेम पे जो डेप्रेशन क्या चार्ज किया हुआ है नहीं किया हुआ। फिर वो चेक करेगा कि रिपेयर जो है फर्नीचर में अगर कोई करी है, ठीक है, तो क्या उसको करंट ईयर में ही पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया या नहीं कर दिया। और लास्ट में वो चेक करेगा सी करेगा सी द पेमेंट मेड ऑन द अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ एनी आइटम ऑफ फर्नीचर एंड फिक्स्चर थ्रू द इनवॉइस ऑफ द सप्लायर। ये भी वो मतलब सप्लायर से भी जाके जो है पूछ सकता है कि ये जो एंट्री है क्या ये ठीक है या नहीं है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंशन ट्रांजेक्शन इज नॉट ए नॉन कैश, इनमें से कौन से नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, नॉन कैश नहीं है, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टिंग कंपनी, ये आपके नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि कैश जा रहा है आपके यहां से। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू एप्रोप्रिएट सेगमेंट फॉर स्टडी द रिजल्ट शोन बाय द बिजनेस इन ईच ऑफ द सेगमेंट, तो ये आपका कौन सा अकाउंटिंग पीरियड, तो मतलब जिसमें बिजनेस की लाइफ को हम लोग जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो वो आपका इंडेक्स 21, ठीक है जी। इसके बाद में अगला आया क्वेश्चन बोलता है पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ कि हम लोग जब वो क्या चलेंगे सेफ चलेंगे, इट इज फॉलोड बाय द अकाउंटेंट इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, तो ये आपका कौन सा, दिस इज द कंजर्वेशन कन्वेंशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या प्रूडेंस। प्रूडेंस के अंदर हम लोग जो वो क्या मानते हैं कि जो भी हमारे फ्यूचर में होने वाले लॉसेस है उनका हम लोग जो वो आज ही क्या कर लेंगे अकाउंटिंग कर लेंगे, और जो भी हमारे फ्यूचर में होने वाले गेन है उसको जो है जब तक वो रियलाइज नहीं होंगे तब तक हम उसको जो है वो मतलब उसकी एंट्री नहीं डालेंगे। आगे एक्स एंड वाई पार्टनर है इन ए फर्म जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो है 4:5 के रेशियो में, एक्स ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर और वाई ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, तो एक्स ने जो है वो अपने शेयर का 1/4 और वाई ने अपने शेयर का 1/5 जो है वो क्या कर दिया सरेंडर कर दिया इन द फेवर ऑफ जेड। अब आपको बताना है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो जो है वो कैसे निकलेगा, तो देखो एक्स का और वाई का शेयर क्या था 4:5, एक्स ने जो है वो क्या कर दिया अपने शेयर का 4/9 का 1/4 फेवर कर दिया सरेंडर कर दिया इन द फेवर ऑफ जेड, और Y ने जो है वो क्या किया Y ने अपने शेयर का 5/9 का 1/5 जो है वो क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया इन द फेवर ऑफ Z, बोल दो 5/45, ओके। अब ये दोनों जो है वो किसको मिलेंगे Z को मिलेंगे, ठीक है ना, तो आपको जो न्यू रेशियो निकालना है तो X का कैसे निकलेगा 4/9 माइनस में ये माइनस कर दो क्योंकि ये तो चला गया, और Y का कैसे 5/9 में से ये माइनस कर दो और Z में ये दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, इसको आप कंप्यूट करोगे तो आंसर आएगा 3:4:2। आगे आइएगा बोलता नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है एक फर्म का वो था 1,00,000 रुपए, एक फर्म का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना 1,00,000, और जो फिक्स इंटरेस्ट चार्ज थे ऑन द लॉन्ग टर्म डेट वो थे कितने 20,000 रुपए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको निकालने अगर रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो कितना है 60% हो, तो देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ईबीआईटी अपॉन में, बोलो ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, आपको यहां पे क्या दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है वो कितना है आपका 1,00,000, ठीक है। अब 1,00,000 है टैक्स कटाने के बाद टैक्स कितना 60%, तो मतलब क्या ये 40% की वैल्यू है, यस, तो 60% की इसको डिवाइड बाय 40 करूंगा तो आंसर आएगा मेरा कितना 2,50,000, तो 2,50,000 मेरा ईबीटी आ गया, यस। फिर इसमें तो इंटरेस्ट कटा हुआ है कितना 20,000, इसमें अगर 20,000 और ऐड करूंगा तो मेरा आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना 2,70,000, फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो ईबीआईटी जो कितना है 2,70,000 उसको डिवाइड करेंगे किससे इंटरेस्ट एक्सपेंस से वो कितना 20,000, तो आंसर आएगा कितना 13.5 टाइम। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इनमें से कौन सा प्रेफरेंस शेयर का फीचर नहीं है, तो इनको प्रायर क्लेम होता है, होता है, मतलब इक्विटी के मुकाबले प्रायर क्लेम होता है, यस। रिडीम होते हैं सर्टेन पीरियड का रिडीम हो जाएंगे, हाँ जी, मैक्सिमम पीरियड कितना 20 साल, याद रखना। फिर मे पोजेस द राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यस। क्या ये पोजेस करते हैं वोटिंग राइट, क्या ये वोटिंग राइट पोजेस करते हैं ऑन द इंपॉर्टेंट इश्यू ऑफ द कंपनी, क्या ये पोजेस करते हैं क्या, क्या इनको कोई वोटिंग राइट है, नहीं सर इनको वोटिंग राइट नहीं है। आगे आइएगा बोलते हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड यूसेज तारीख कितना है 50,000 यूनिट, ठीक है, और जिसको मतलब पूरे साल में आप 50,000 यूनिट यूज करोगे कितने दिनों में 250 दिन के अंदर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर जो है कितना है 20 रुपए पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कितनी है 0.5 फॉर द पीरियड, एंड लीड टाइम जो है वो कितना है 5 डेज का। कंपनी वॉन्ट टू कीप ए रिजर्व, और कंपनी जो है वो 2 दिन का जो यूसेज है उसका वो रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहती है, तो बताना हाउ मेनी यूनिट विल बी इंक्लूडेड इन देयर ऑर्डर पॉइंट, तो एक बार जो आप ऑर्डर करते हो ठीक है तो रीऑर्डर पॉइंट पे जो वो कितनी यूनिट आपकी जो वो क्या होंगी इंक्लूड होंगी, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग जो वो क्या करेंगे इसका फॉर्मूला होता है एवरेज डेली यूसेज इनटू में लीड टाइम प्लस में सेफ्टी स्टॉक, तो एवरेज डेली यूसेज देखो
50,000 क्वांटिटी हम यूज करते हैं 250 दिनों में, तो एक दिन की जो कैसे करेंगे 50,000 डिवाइड में 250 करूंगा तो आंसर आएगा 200, तो ये आ गया 200। लीड टाइम जो मेरा कितना है, लीड टाइम मेरा 5 दिन, प्लस में आएगा क्या आपका सेफ्टी स्टॉक, और सेफ्टी स्टॉक हम जो मेंटेन करना करके चलना चाहते हैं वो कितने 2 दिन का, ठीक है। तो 2 दिन, एक दिन में कितना यूज करते हैं 200 क्वांटिटी, तो 2 दिन में कितना 400, तो इसमें 400 ऐड कर लेंगे तो आंसर जो आएगा वो कितना 1400 क्वांटिटी। आगे डिस्क्लोजर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस एंड इट्स कंप्लायंस हैज बीन स्टिपुलेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो बोलता है डिस्क्लोज करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस को और कंप्लाई करना वो स्टिपुलेट है, वो फिक्स है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो वो कहां पे आता है, तो मतलब आपने जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स को फॉलो किए, तो ये आप बताओगे डायरेक्टर जो बताते हैं आपने किसमें, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है जी। इसके बाद बोलते हैं क्रेडिट सेल जो है एक फर्म की वो फॉर अ सर्टेन ईयर वो थी 12 लाख रुपए और संडे डेटर जो थे आउटसाइड एट द बिगनिंग में थे 1,20,000 और एट द एंड में थे 80,000, इंडिकेट करो करेक्ट कोड फॉर द डेटर टर्नओवर रेशियो एंड द एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज डेटर, यस क्रेडिट सेल दे रखे कितना 1,20,000 रुपए और जो आपका एवरेज डेटर निकालना है वो कैसे निकलेगा, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन में 2, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 1,00,000 डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये आ गया मेरा कितना 12, तो 12 क्या आ गया डीटीआर डेटर टर्नओवर रेशियो, ये मेरा कितना आ गया 12 टाइम्स आ गया, डेटर टर्नओवर रेशियो कितना आ गया 12 टाइम। और अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना तो कैसे करोगे, महीने में निकालना तो 12 को डिवाइड कर दो किससे 12 से, मतलब 12 तो महीने होते हैं और उसको डिवाइड कर दो जो आपका डेटर टर्नओवर रेशियो आया, तो 12 से ये 12 ही आया तो 12 से डिवाइड किया तो इसका मतलब एक महीना, तो आपको जो अपने डेटर से हर महीने एक एक महीने में पैसा रिकवर हो जाता है। और अकाउंट्स का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है क्या, इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम कंसर्न विद विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, इन्वेंटरी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो आप किन किन टेक्निक को बेसिकली जो है वो क्या करते हो फॉलो करते हो, तो वो है आपका एबीसी, हाँ जी ABC को फॉलो करते हैं, JIT जस्ट इन टाइम को फॉलो करते हैं, यस रीऑर्डरिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, यस भाई कितने कितने दिनों के अंदर अपने को जो है दोबारा से रिफिल करना है इसको फॉलो करते हैं, आउटसोर्सिंग सिस्टम को फॉलो करते हो क्या, आउटसोर्सिंग को नहीं, तो आंसर जो आएगा वो क्या AB and C। ओके जी सर, लो जी ये हो गए हमारे 34 क्वेश्चन किसके, अकाउंट्स के, बढ़िया वाले, इसका बढ़िया तरीके से कर लीजिए। अब हम लोग जो है वो करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट को, ओके चलिए अब जो है वो हम करते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 जो है अपना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। अगर बात करते हैं अपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का तो इसके अंदर भी टोटल मिला के हम जो है वो 30 क्वेश्चन जो है वो बढ़िया वाले पढ़ेंगे, ओके तो 30 MCQ इसके अंदर जो हम कवर करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं, सबसे पहला बोलते हैं विच कमेटी हैज रिकमेंडेड ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, कौन सी कमेटी ऐसी है जिसे रिकमेंड किया ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ रिफॉर्म इन द इंश्योरेंस सेक्टर, तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जो है कौन सी मेन कमेटी, भाई मल्होत्रा कमेटी है, कौन सा मल्होत्रा कमेटी, ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या बोलते हैं, आइए म्यूचुअल फंड जो है इंडिया के अंदर और उनके ऊपर म्यूचुअल फंड के ऊपर रेगुलेशन किसके है, सर म्यूचुअल फंड के ऊपर जो सेबी की रेगुलेशन चलती है 1996 के अंदर जो है वो सेबी ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 वो क्या करे इश्यू करे और जिसके माध्यम से सेबी जो म्यूचुअल फंड को क्या करता है रेगुलेट करने का काम करता है। तो म्यूचुअल फंड इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय द सेबी और सेबी की उसका नाम क्या है सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996, ठीक है जी। एक सेकेंड रुकना, कुछ हो गया है, कहाँ गया इसका कर्सर, चलिए थर्ड क्वेश्चन, अरे मान जा यार नाराज क्यों रहे तू, चलो अब माने। तीसरा क्वेश्चन, आपको दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट वन के अंदर जो है वो बता रखा है आपको कुछ पर्पस और उसके लिए कौन कौन सी कमेटी जो है एस्टेब्लिश की गई थी। सबसे पहले है स्टडी, कौन सी कमेटी है जो जिसने स्टडी किया ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT के लिए जो है वो हमने कमेटी को एस्टेब्लिश किया था 1995 में जिसका नाम था शेयर कमेटी, ठीक है। वर्किंग ग्रुप था NBFC उसके लिए कमेटी थी उसका नाम था मालेगाम कमेटी। एक कमेटी जिसने सजेस्ट किया अल्टरनेट मेथड ऑफ द लेंडिंग तो वो था आपका रांची जिलानी कमेटी और एक्सपर्ट ग्रुप ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो है आपका सोदुना कमेटी, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, याद करके जाना। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द आरबीआई, आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुली ओन्ड सब्सिडियरी जो है वो इनमें से बताना कौन सा है, तो वो है आपका IFTAS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, बाकी आपको मैंने और भी लिखवाया था थोड़ा देख लेना उसको, ठीक है ना। फिर बोलता है स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीएस्ट
सीक्वेंस द स्टेप टेकन टू डेवलप द मनी मार्केट इन इंडिया। शुरुआत से बताओ कि इंडिया के अंदर जब मनी मार्केट को हमने डेवलप किया तो शुरुआत कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो इंडिया के अंदर कमर्शियल पेपर जो है उसका शुरुआत हुआ, ओके, और जो बड़ी बहुत ही हाई नेटवर्थ कंपनीज है उनको अलाउ किया गया कि अगर वो चाहे तो अपनी वर्किंग कैपिटल नीड को पूरा करने के लिए कमर्शियल पेपर को लॉन्च कर सकती है। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुआ किससे, कमर्शियल पेपर से। इसके बाद में फिर जो है वो क्या WMS स्कीम, वे एंड मीन्स एडवांस जो है वो स्कीम आई थी जो लिंक की गई किससे, बैंक रेट से। उसके बाद में जो है वो आया आपका इंट्रोडक्शन LAF फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है वो बाद में आई, जिसके अंदर रेपो रेट, इसमें बेसिकली दो रेट है, एक है कौन सा रेपो और एक कौन सा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसके बाद में जो है फिर क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ इंटरेस्ट रेट स्वैप का, और आखिरी में जो है वो क्या, रिसेंट में जो है वो इंप्लीमेंटेशन हुआ किसका, RTGS का, जिसके माध्यम से आप लोग जो है वो बड़ी पेमेंट जो है वो कर सकते हो। मिनिमम जो लिमिट है RTGS की वो कितनी है, मिनिमम 2 लाख, और मैक्सिमम की कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो अपने इंडिया के अंदर मनी मार्केट जो है उसका जो है वो क्या हुआ, ग्रो हुआ है। आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ यूरो करेंसी मार्केट, इनमें से कौन सा जो करेक्टरिस्टिक है किसका, यूरो करेंसी मार्केट। तो यूरो करेंसी मार्केट कौन सी होती है सर, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है ना उसको जनरली बोलते हैं हम लोग यूरो करेंसी मार्केट, ठीक है ना। तो अगर आप बाहर से पैसे अगर रेज करते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूरो मार्केट, ओके। तो यूरो मार्केट वो नहीं है जहां पे यूरो इशू होते हैं, ठीक है ना, नहीं नहीं, यूरो करेंसी मार्केट का मतलब जो है वो क्या हो गया कि फॉरेन करेंसी के अंदर अगर आप पैसा रेस करते हो तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो बोलते हैं इनमें से कौन से जो है वो करेक्टरिस्टिक है किसके, और द यूरो करेंसी मार्केट के, तो वो करेक्टरिस्टिक आपको बताना है। सबसे पहले यूरो करेंसी मार्केट जो है इट डज नॉट हैव ज्योग्राफिकल लिमिट, बिल्कुल सही बात है, कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है, कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री में जाकर के जो है पैसा रेस कर सकते हैं, यस। यूरो करेंसी मार्केट अनरेगुलेटेड है, क्या बात कर रहे हो सर, यूरो करेंसी मार्केट जो है वो क्या होती है, रेगुलेटेड है। यूरो करेंसी मार्केट जो है इट डज नॉट हैव डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्या यूरो करेंसी मार्केट में डिपॉजिट इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं होती, नहीं होती है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम इंटरेस्ट पेबल और चार्जेबल, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, रिस्ट्रिक्शन होती है। यूरो करेंसी मार्केट डज नॉट अटैक द CRR SLR, ये बात आपकी सही है, मतलब यूरो करेंसी मार्केट जो है वो CRR या SLR को अटैक नहीं करती, बिल्कुल ये बात एकदम क्या है, सही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, A, C and E। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बोलता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर, बोलता है बैंकिंग सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में स्प्रेड जो है उसको डिफाइन करें। तो स्प्रेड जो है वो क्या होता है, तो स्प्रेड जो है वो फंक्शन है जिसके अंदर बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो है वो दो इंटरेस्ट रेट के बीच में जो डिफरेंस निकालते हैं, एक क्या जो हमको पे करना है और एक जो हम चार्ज करते हैं, ठीक है। तो कस्टमर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो बैंक जो है वो कस्टमर से क्या करेगा, बैंक कस्टमर को बोले, कस्टमर को लोन देगा तो उससे ब्याज लेगा, और अगर कोई कस्टमर जो है वो बैंक के पास में अपना पैसा जमा करवाएगा सेविंग के तौर पे तो बैंक उसके ऊपर उसको ब्याज देगा। तो इन दोनों रेट का जो डिफरेंस है, मैं कस्टमर से आगे 4-5% कर रहा हूं लेकिन मैं बैकएंड पे कस्टमर को दे रहा हूं 3%, तो बीच के जो 2% है वो मेरा क्या है, स्प्रेड है, ठीक है। तो स्प्रेड बेसिकली क्या होती है, नेट इंटरेस्ट इनकम होती है, ठीक है ना। तो बोलते इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर स्प्रेड जो है उसको डिफाइन करेंगे, स्प्रेड जो है वो फंक्शन है किसका, दो चीजों का, नेट इंटरेस्ट इनकम का और साथ में एसेट रेशियो, आपके जो एसेट रेशियो है, ठीक है ना, उसका। एसेट रेशियो में बेसिकली ये देखते हैं कि कितना पैसा आपने जो है वो दिया हुआ फिक्स कैपिटल के लिए, मतलब जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए, और कितना आपने शॉर्ट टर्म के लिए, वहां से जो है वो क्या निकलता है, स्प्रेड निकलता है, ठीक है ना। तो आंसर जो आएगा वो क्या बोलता है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्प्रेड को डिफाइन करेंगे, तो स्प्रेड जो है फंक्शन है किसका, नेट इंटरेस्ट इनकम का एंड एसेट रेशियो का। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क गवर्निंग द RRB, कौन कौन से ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं, बोले तो कौन से ऐसे लो है जो RRB रीजनल रूरल बैंक को जो क्या करता है, गवर्न करते हैं। एक तो RRB का अपना खुद का एक्ट है जिसको बोलते हैं RRB एक्ट 1976, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, और एक है RRB क्योंकि बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, तो बैंक के ऊपर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी एप्लीकेबल होता है दोनों। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अ ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, इनमें से कौन सी कमर्शियल बैंक की ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटी है जिसका ट्रीटमेंट जो है बैलेंस शीट के अंदर नहीं होगा, जो बेसिकली बैलेंस शीट के फुटनोट के अंदर आती है, तो वो कौन कौन सी है, तो वो है जो बेसिकली जो लेंडिंग मनी टू द डिपॉजिटर, ये तो भाई मेन बिजनेस होता है बैंक का, बोरोविंग फ्रॉम द RBI ये भी मेन काम है, ठीक है। उसके बाद परचेजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर परचेज कर लिया तो ये ऑफ बैलेंस शीट है। LC इशू कर दिया किसी कस्टमर के बिहाफ पे, ये भी ऑफ बैलेंस शीट है। एंगेज इन स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज हो गए तो ये भी क्या, ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। तो यहां पे जो वो आउटकम आपको जो है बिल्कुल श्योर नहीं होते हैं। आगे, व्हाट आर द पॉजिटिव एट्रीब्यूट क्या है मोबाइल बैंकिंग के, जब अब लोग जो मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो उसके जो पॉजिटिव बेनिफिट जो है वो क्या क्या है। सबसे पहला, नेगेटिव एक्सपीरियंस है यूरोपियन कंट्री में, अरे नहीं, पॉजिटिव की बात करनी है तो क्या ये वेब के ऊपर एप्लीकेबल है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है, यस। एडवांस पेनिट्रेशन ऑफ द मोबाइल नेटवर्क, बिल्कुल सही बात है, आज के डेट में जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सिक्योरिटी कम होती है, नहीं, फास्ट डेटा प्रोसेसिंग स्पीड होती है, यस। तो आपको ये तो बताना था कि पॉजिटिव एट्रीब्यूट बताते, तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट के अंदर क्या आएगा, BC and E।
चलिए आगे, एज द इकोनॉमी वीकन, जैसे जैसे अगर इकोनॉमी जो है वो क्या होगी, वीक होगी, वन वुड एक्सपेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डैश फंड टू इंक्रीज एंड इन्वेस्टमेंट इन डैश फंड टू डिक्रीज। तो बोलते हैं अगर इकोनॉमी जो है वो क्या होगी, वीक होगी, तो कुछ फंड्स में पैसा जो है वो क्या होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और कुछ फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो जैसे जैसे इकोनॉमी अगर क्या होती है, वीक होती है ना, तो फिर लोग जो है वो इक्विटी से पैसे निकालते हैं, क्योंकि मार्केट तो पूरी पिट गई है, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट तो पिट गई है। तो अगर मान लो मार्केट इकोनॉमी वीक हो गई है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो कंपनी अगर बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही है, डेट मींस कंपनी का मार्केट वैल्यू जो है वो क्या डाउन जा रही है, तो शेयर जो है वो डाउन जाएंगे। तो फिर इक्विटी मार्केट से लोग पैसा निकालेंगे और कहां पे लगाएंगे, वो लगाएंगे मनी मार्केट या म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है ना। तो एज अ इकोनॉमी वीक, जैसे इकोनॉमी अगर वीक होगी तो लोग जो है वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे किसमें, मनी मार्केट में, और ठीक है, तो मनी मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जो इन्वेस्टमेंट है इन इक्विटी मार्केट वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडियरी इज नॉट ओन बाय द आरबीआई, में से कौन सा सब्सिडियरी आरबीआई ने जो ओन नहीं किया, एनएचबी, नाबार्ड, डीआईसीजीसी और ये है आईडीएफसी। तो आईडीएफसी जो वो क्या है, एक आपका कमर्शियल बैंक है, ये जो है आरबीआई ने इसको जो है ओन नहीं किया हुआ है। आगे, अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एनएक्टमेंट। सबसे पहले म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, ये कब आया, 1996 में। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन कब आया, 1999 के अंदर। क्रेडिट रेटिंग रेगुलेशन आए, अभी अमेंडमेंट आई है 2023 के अंदर। सेबी इंटरमीडिएट, सेबी ने जो इंटरमीडिएट स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे ब्रोकर बुकर हो गए, तो इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ अपने गाइडलाइंस इशू करी है 2008 में। और स्वेट इक्विटी रेगुलेशन है 2002 में। तो आपको जो है वो क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो अरेंज करना है। तो आंसर जो बनेगा, सबसे पुराना जो है वो है आपका 1996 ए, उसके बाद जो है वो है 1999 बी, उसके बाद में आएगा ई 2002 में, उसके बाद में जो है वो आएगा सेबी इंटरमीडिएट रेगुलेशन 2008 में, और फिर लास्ट के अंदर जो है वो आएगा आपका क्या, सी। चलो जी आगे, विच आर करेक्टली रेगुलेटरी प्रोविजन, विच आर द करेक्ट रेगुलेटरी प्रोविजन फॉर द फॉरेन बैंक ऑपरेशन इन इंडिया। अगर कोई फॉरेन बैंक जो है इंडिया के अंदर आगे जो क्या करता है, बिजनेस एक्टिविटी को कनेक्ट करता है, तो उसके लिए जो है वो कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो उसको पूरा करना पड़ेगा। वो क्या, दे आर इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, जो आपके फॉरेन बैंक है वो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में होते हैं, मतलब वो रजिस्टर्ड इंडिया में होते हैं, एंड हैव देयर हेड ऑफिस इन फॉरेन कंट्री। नहीं सर, उल्टा लिखा हुआ, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, फॉरेन बैंक जो है सिंस 2002 हैव बीन अलाउ, उनको अलाउ करते हैं कि वो अपने सब्सिडरी जो है वो इंडिया में ओपन कर सकते हैं। यस, फॉरेन बैंक को अलाउ किया गया कि वो ऑपरेट कर सकते हैं इंडिया में, इवन इफ दे आर नॉट फाइनेंशियल साउंड। ऐसा है क्या, नहीं, ये कंडीशन नहीं है। दे हैव टू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन, क्या उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से जो है ऑपरेट करना पड़ेगा। यस, आरबीआई अप्रूव करता है दैट द फॉरेन बैंक विच आर प्रेजेंट इन इंडिया कुड ओपन देयर ब्रांचेस। यस, तो आंसर क्या है, बी, डी एंड ई। आगे, व्हेन सेंट्रल बैंक कंडक्ट सेल ऑफ सिक्योरिटी, जब सेंट्रल बैंक जो वो क्या करता है, सेल ऑफ सिक्योरिटी करता है, ठीक है, तो सीआरआर जो है कमर्शियल बैंक का वो क्या होगा, तो भैया कमर्शियल बैंक का जो कैश रिजर्व रेशियो वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कमर्शियल बैंक जो वो क्या करेंगे, वो सेंट्रल बैंक की सिक्योरिटी को परचेस करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, तो आपका जो सीआरआर है, जो कमर्शियल बैंक के पास कैश रिजर्व रेशियो जो है वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज कमर्शियल बैंक जो वो परचेस करेगा सिक्योरिटी फ्रॉम द आरबीआई। आगे, एवरेज क्लोज जो है वो आपका एप्लीकेबल होता है किसमें, इंश्योरेंस के अंदर। तो अगर इंश्योरेंस है वो क्या, मतलब वैल्यू जो थी वो तो थी 1,00,000 रुपए की, लेकिन आपने जो बीमा करवाया वो करवाया सिर्फ 90,000 का, ठीक है। तो अगर इंश्योर्ड वैल्यू जो है वो क्या है, आपकी कम होती है, ठीक है ना, किससे, एक्चुअल वैल्यू से। तो अगर इंश्योर्ड वैल्यू, तो बीमा तो करवाया 90,000 रुपए का, लेकिन जो आपकी एक्चुअल वैल्यू वो कितनी है, 1,00,000। तो यहां पे बेसिकली जो वो क्या आएगा, एवरेज क्लोज एप्लीकेबल होता है। तो एवरेज क्लोज जो है इंश्योरेंस के अंदर वो एप्लीकेबल होता है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, वो है आपके अंडर इंश्योरेंस में। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द प्राइमरी कैपिटल मार्केट, में से कौन सा प्राइमरी कैपिटल मार्केट से जो रिलेटेड है, वो है आपका सबसे पहले आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्राइमरी मार्केट का पार्ट है, लॉन्ग टर्म लोन प्राइमरी मार्केट, वेंचर कैपिटल प्राइमरी मार्केट, एलसी इशू करना प्राइमरी मार्केट का पार्ट नहीं है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्राइमरी मार्केट का पार्ट नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के फंक्शन, सबसे इशू करेंसी इशू करना, यस, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है क्या आरबीआई, नहीं सर, आरबीआई जो बैंकिंग, जो नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन था वो परफॉर्म नहीं करता। बैंकर है गवर्नमेंट का, यस, बैंकर से बैंक का, यस, क्या आरबीआई जो क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करता है, यस, आंसर क्या आएगा, ए, सी, डी एंड ई। आगे, फॉर ऑन गोइंग मेंटेनेंस ऑफ द रेगुलेटरी कैपिटल, अपनी जो रेगुलेटरी कैपिटल उसको मेंटेन करने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क वर कवर्ड बाय पिलर वन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वो कौन कौन से रिस्क है, उसके अंदर क्या होंगे, कवर होंगे, तो तीन तरह के रिस्क है, एक तो क्रेडिट रिस्क, एक तो ऑपरेशन, और एक कौन सा आपका मार्केट रिस्क, ए, सी एंड डी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज, इनमें से कौन सी एडवांटेज है किसके, मोबाइल बैंकिंग के। तो मोबाइल बैंकिंग की एडवांटेज जो बतानी है, इनसिक्योर एडवांटेज बतानी है, इनसिक्योर, नो, फ्रॉड डिडक्शन है, यस, क्या टाइम भी सेव हुआ है, यस, सेपरेट इंटरनेट रिक्वायर्ड है क्या, नहीं, वाईफाई से भी काम चल जाएगा, और इंक्रीज एफिशिएंसी इंक्रीज भी है, यस, आंसर क्या है, ए, सी एंड ई।
आगे दो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहले बोलता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इट्स ओन कैन नॉट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक ग्रोथ। बोलता है मॉनेटरी पॉलिसी अपने आप से जो है वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, बट कैन ओनली सपोर्ट करती है बाय क्रिएटिंग कॉमनल फैक्टर। ये बात एकदम करेक्ट है। फिर बोलता है मॉनेटरी पॉलिसी के जो रेट होते हैं चेंज गेट ट्रांसमिटेड अक्रॉस द मार्केट। बोलता है जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो रेट होते हैं ना वो ट्रांसमिट होते हैं अक्रॉस द मार्केट, सभी मार्केट के अंदर जो ट्रांसफर होते हैं एंड इवेंचुअली गेट रिफ्लेक्टेड, और वो आपको देखने को मिलेंगे इन द लेंडिंग रेट मॉर्गेज एंड द यील्ड। मतलब हर जगह देखने को मिलेंगे। ऐसा है क्या सर? हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एड्रेस करते हैं करंट इन्फ्लेशन को नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या गलत है। आगे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है लाइक अगर आप इंडिया के अंदर कोई एलआईसी की कंपनी अगर ओपन करना चाहते हो ठीक है, तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है कितनी है 100 करोड़ का। आगे व्हेन द आरबीआई डिजायर टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंशन ऑफ द क्रेडिट, तो वो क्या करेगा, वो पहले वो रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है किस पे, क्रेडिट के एक्सपेंशन पे, तो आरबीआई जो है वो क्या कर देगा, आरबीआई जो बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन, तो डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन का मतलब जो क्या होता है, जब हम जो है वो रिस्की बोरोवर को जो है वो क्या करते हैं लोन देते हैं बाय अट्रैक्टिंग सेविंग फ्रॉम द सेवर हु आर रिस्क एवर्स। आगे द एक्ट ऑफ थ्रोइंग ए बोर्ड, अगर आपका जहाज ये आपका पानी का जहाज था और इसके अंदर सामान जो है वो पड़ा था और एक्स्ट्रा सामान भी लोड कर दिया, अब एक्स्ट्रा सामान लोड होने की वजह से जो है वो क्या हो सकता है, जहाज आपका डूब भी सकता है, पानी के अंदर जो जहाज है वो क्या हो सकता है डूब सकता है, तो हमने जो क्या किया कुछ सामान उठा के जो बाहर फेंक दिया ठीक है बाकी सामान को बचाने के लिए, तो इसको बोलते हैं जेटिसनिंग। क्या बोलते हैं जेटिसनिंग, तो एक्ट ऑफ थ्रोइंग ऑन बोर्ड कार्गो एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द शिप टू सेफगार्ड इट फ्रॉम द टोटल लॉस इन टाइम ऑफ पेरिल, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या जेटिसनिंग, और जेटिसनिंग का जो लॉस है वो बाकी जिनका सामान पड़ा ना वो भी बियर करते हैं उस चीज को, ये बात ध्यान रखना। अब रिलेशनशिप जो होता है ना बिटवीन ए बैंक एंड द कस्टमर इज बेसिकली वो क्या होता है, वो होता है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का, बिल्कुल। आगे एक जो लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा होता है, क्या इंडेमनिटी, क्या इंसान की भरपाई हो सकती है क्या, नहीं। क्या वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं। क्या कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, यस भाई, इंसान क्या पता वो जी जाए ठीक है, जीता रहे, अगर मान लो पॉलिसी तक जो है वो क्या, अगर मान लो उसके वो एक्सपायर नहीं हुआ ठीक है टाइम पीरियड तक, तो फिर क्या होगा, एक्सपायरी के बाद मतलब जो पॉलिसी एंड होने के बाद में उसको पैसा मिलेगा ठीक है ना, और अगर वो बेचारा 3 साल में या 4 साल में एक्सपायर हो गया तो भैया 4 साल में इंश्योरेंस कंपनी को सारा पैसा उसके घर वालों को देना पड़ेगा। क्या ये एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यस। यहां पे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हम लोग जो वो इंश्योरेंस वर्ड यूज ना करके हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एश्योरेंस, क्योंकि यहां पे जो गारंटी एश्योरेंस होती है ठीक है ना। क्या यहां गारंटी है, नहीं, एश्योरेंस है गारंटी नहीं होता, तो आंसर क्या सी एंड डी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, सबसे पहला नेफ्ट अलाउ करता है कस्टमर को कि वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं फंड विद ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 3 लाख पर डे, 3 लाख रुपए की लिमिट है क्या, नहीं, ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। आईएमपीएस जो वो अलाउ करता है कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं फंड इन द इंस्टा पेमेंट मोड से, बिल्कुल सही बात है। मिनिमम लिमिट जो है ना टू ट्रांसफर फंड बाय आरटीजीएस वो 2.5 लाख है सर, 2 लाख रुपए है, गलत। इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो है वो डेवलप किया है किसने, एनपीसीआई ने, इज यूपीआई, यस ये बात एकदम करेक्ट है। फॉर क्लियरिंग ऑफ द चेक अंडर द पॉजिटिव पे सिस्टम पीपीएस में मिनिमम लिमिट 50,000 की है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आंसर क्या बी एंड डी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्टली एक्सप्रेस इन रिलेशन टू द कैपिटल एंड क्रेडिट फ्लो, तो बोलता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली एक्सप्रेस करते हैं किसको, क्रेडिट एंड कैपिटल फ्लो को। सबसे पहला बोलते थ्योरेटिकली रेगुलेटर जो है किसके, फाइनेंशियल मार्केट को बिलीव करते हैं कि इंक्रीजिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर आप जो है वो बैंक को बोल दोगे कि आपको ज्यादा कैपिटल मेंटेन करनी है तो उससे जो है बैंक फेलियर का खतरा कम हो जाएगा, ये बात एकदम क्या है, वो यही मानते हैं कि अगर मान लो बैंक जो है वो ज्यादा कैपिटल अपने पास रखेगा और लोन कम देगा तो बैंक फेलियर का खतरा जो है कम हो जाएगा, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर बोलते हैं ओपन फाइनेंशियल मार्केट आर सोली इन्फ्लुएंस बाय द करेंसी रेट मूवमेंट, जो ओपन फाइनेंशियल मार्केट होती है क्या वो करेंसी रेट मूवमेंट से जो वो आपके इन्फ्लुएंस होती है, नहीं। बोलता है फाइनेंशियल इनफ्लो रिफ्लेक्ट करते हैं नेट फ्लो ऑफ कैपिटल इनटू वन कंट्री इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज परचेज ऑफ डोमेस्टिक एसेट बाय द फॉरेनर, ये बात एकदम करेक्ट है। जो टीयर टू कैपिटल है ठीक है उसके अंदर जो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट आते हैं, यस आते हैं। ओनली प्राइवेट बैंक जो है इन इंडिया उनको उन्होंने इंप्लीमेंट किया बेसल 3 गाइडलाइंस को, नहीं सर, पब्लिक बैंकों ने भी जो है बेसल 3 गाइडलाइंस को जो इंप्लीमेंट कर लिया, तो ये भी क्या गलत, आंसर क्या आएगा ए सी एंड डी। और बैंकिंग आखिरी क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट दे रखे और डिस्क्रिप्शन दे रखे। सबसे पहले पॉलिसी रेट क्या होता है, पॉलिसी रेट वो रेट होता है जो आरबीआई क्या करता है यूज करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या करने के लिए, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। तो बोलता है पॉलिसी रेट इज अ रेट व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड बाय द आरबीआई टू इन्फ्लुएंस द मेन मॉनेटरी वेरिएबल इन द कंट्री। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट को हम रीपरचेज रेट बोलते हैं, तो रेपो रेट वो रेट है जिसमें आरबीआई जो है वो लेंडिंग करेगा व्हेन कमर्शियल बैंक बोरो करता है मनी बाय परचेजिंग सिक्योरिटी इशू बाय द आरबीआई। एमसीएलआर क्या, ये होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, ठीक है, ये एक मिनिमम रेट होता है, इट इज इंटरनल बेंचमार्क रेट फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिससे नीचे जो है वो कोई भी बैंक जो है वो अपने कस्टमर को लोन नहीं देगा। और बैंक रेट क्या, आरबीआई लेंडिंग रेट टू कमर्शियल बैंक विदाउट सिक्योरिटी, तो ये होता है आपका कौन सा, बैंक रेट, ठीक है ना। रेपो रेट में फर्क ये होता है, रेपो रेट तो आपका सिक्योर्ड है क्योंकि बैंक जो है वो क्या करेगा, पहले आरबीआई को अपनी सिक्योरिटी बेचेगा,
ठीक है ना, और फिर उससे जो है प्रॉमिस करेगा कि फ्यूचर में आपसे मैं इस रेट पे रीपर्चेस करके जाऊंगा, तो इसलिए उसको रीपर्चेज रेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपके आंसर जो बनेगा इसका, वो क्या बनेगा, 4, 2, 3 and 1। ओके जी सर, लो जी ये हो गए अपने बैंकिंग के, फाइल को सेव कर लेते हैं हम लोग इसको। लो जी अब आते हैं हमारी लास्ट यूनिट आज की, आज की लास्ट यूनिट, दैट इज द यूनिट नंबर 4 इंटरनेशनल बिजनेस। वैसे तो यूनिट नंबर 1 है लेकिन अपने आज की यूनिट नंबर 4 है। चलो जी आईबी के लगभग लगभग आज जो है वो हम लोग क्या करेंगे, आईबी के हमारे क्वेश्चन लगभग 50+ कितने देखो 57 क्वेश्चन है भाई। चलो शुरुआत करते हैं लास्ट आज। बोलते हैं व्हेन इज ए फर्म नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रेफर एफडीआई टू लाइसेंसिंग, जब एक फर्म जो है वो प्रेफर मतलब किस केस के अंदर फर्म जो है वो एफडीआई को प्रेफर नहीं करेगी, ठीक है, लाइसेंसिंग के मुकाबले, जब फर्म जो है वो हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर उसको फेस करनी पड़ती है ना और टैरिफ बहुत ज्यादा है, तो फर्म बोलेगी भैया जाने के बजाय एक काम करो लाइसेंसिंग दे दो, हम जो है वो ज्यादा मत्था नहीं मारना चाहते। तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ही क्या हाई, क्योंकि जब आप एफडीआई लगाओगे तो आप यहां से मटेरियल भी लेके जाओगे, आप जो है वो यहां से क्या करो लेबर को भी लेके जाओगे, रिसोर्सेज लेके जाओगे, तो उससे जो है वो क्या होगा, और अगर ट्रांसपोर्टेशन बहुत हाई है और टैक्स रेट बहुत ही हाई है तो हम कोशिश यही करेंगे कि यार एफडीआई ना लगाएं, ठीक है ना। तो बोलते था फर्म फेस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड टैरिफ, तो फर्म जो है फिर वो प्रेफर नहीं करेगी एफडीआई को किसके बदले में, लाइसेंसिंग के बदले में। आगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम द केस फॉर ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम क्लेम, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम जिसको हम पैक्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं, तो वो क्या बोलता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम जो वो ये मानता है कि गुड्स एंड सर्विस मैन्युफैक्चर इन द कंट्री बिकम मोर कंपेटिटिव होगी, किसमें, इंटरनेशनल मार्केट। तो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर उन गुड्स को लेके जाओगे ना तो फिर वहां पर आपको अच्छे रेट देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बोलता है जो आपका बीओपी अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो उसके अंदर बेसिकली हम दो अकाउंट आते हैं, एक होता है आपका करंट अकाउंट और एक कौन सा कैपिटल अकाउंट। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा जो करंट अकाउंट का पार्ट नहीं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स करंट अकाउंट का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट इनकम बोले तो फैक्टर इनकम ये भी करंट अकाउंट का जो पार्ट है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करंट अकाउंट पार्ट है, लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये पार्ट है किसका, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का। आगे आइडेंटिफाई करें ड्राइवर फॉर द इंक्रीज्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्लो इन इंडियन स्टॉक मार्केट इन द रीसेंट टाइम, बोलता है बाहर से बहुत सारा पैसा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में है। आप डेली सुनते होंगे डेटा निकल के आता है, हर रोज जो है वो डेटा आता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई जो है वो आज इतने जो है वो खरीद करी है, इतने की बिकवाली आई है। तो वो क्या बेसिकली कि बाहर के लोग अपने इंडियन मार्केट में बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, उसके पीछे के रीजन क्या है, तो रीजन सबसे पहला COVID-19 पैंडेमिक जब हुआ ना तो उसमें जो है वो लिक्विडिटी का जो फ्लो था ना वेस्टर्न कंट्री से कहां आ गया, इंडिया में आया। दूसरा जियो जो सप्लाई चेन है ना वो क्या हुई है, रिलोकेट हुई है। तीसरा इंडिया का जो वेटेज है ना इन द एमएससीआई वो क्या हुआ, बढ़ा है। बोले तो MSCI क्या है, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये अपना जो है वो क्या करता है, डेटा पेश करता है और उसके अंदर उसने बोला कि भैया इंडिया जो बहुत इमर्जिंग मार्केट है इसलिए बाहर से बहुत सारा पैसा इंडियन मार्केट के अंदर आया। एंड स्टीप डिक्लाइन आया इन द इंटरेस्ट रेट इन लार्ज मार्केट फ्रेंडली इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। एंड फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है इंडिया में ऐसा जरूरी नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ABCD, ये आपके फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है, इनकी वजह से जो है वो इंडिया के अंदर बहुत सारा पैसा बाहर से आया है। आगे रीजन व्हाई फर्म एंटर इनटू स्ट्रेटजिक अलायंस, वो क्या क्या, एक फर्म जो है दूसरी कंपनी के साथ मिलकर के जो काम क्यों करती है, जब एक फर्म ने मतलब उसके रीजन क्या है, तो एक फर्म ने अगर नई मार्केट में एंटर करना हो इसलिए, अगर कोई फर्म अबाइड करना चाहते गवर्नमेंट रूल को तो वो नई लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, नहीं ऐसा कोई रीजन नहीं है। अगर कोई फर्म जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहती है, यस, डेवलपिंग एंड डिफ्यूजिंग टेक, अगर हम जो है वो क्या करना, कोई नई टेक्निक को डिफ्यूज करना चाहते हैं या उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं जो दूसरों के पास है, तो भी हम लोग जो है वो क्या करेंगे, स्ट्रेटजिक अलायंस बनाने का काम करते हैं। तो आंसर क्या है, ACD। आगे टू गेन द सस्टेनेबल कंपिटेटिव एडवांटेज इन लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन बिजनेस जो है उनसे एक्सपेक्ट किया गया कि वो क्या करेंगे, मतलब अगर आप सस्टेनेबल नेचर की कंपिटेटिव एडवांटेज चाहते हो कि आपको जो है वो एडवांटेज मिले कंपटीशन के अंदर औरों के मुकाबले में, ठीक है, तो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में तो इंडियन बिजनेस को जो है वो क्या करना चाहिए, इंडियन बिजनेस जो है उनको वो क्या करना चाहिए, वो सपोर्ट करे किसको, MSME, जो भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है उनको सपोर्ट करे ताकि स्ट्रेंथन हो सप्लाई चेन। दूसरा एडॉप्ट करे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को एंड फोकस मोर ऑन द इनोवेशन, एंड ये ब्रिज करे ट्रस्ट डेफिसिट एंड गेन करे सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक वर्कर एंड द पॉलिसी मेकर। आगे आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द IMF फैसिलिटी अवेलेबल टू द मेंबर कंट्री, तो मेंबर कंट्री को कौन कौन सी जो है वो IMF फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सबसे पहला एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, हाँ जी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट लेंडिंग, नहीं सर स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट फैसिलिटी है लेंडिंग नहीं है, फिर कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी, यस, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, यस, तो आंसर क्या है, AC&D।
आगे टर्म रिलेट टू और ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं बाली पैकेज जो किसके अंदर है, बाली पैकेज की अगर बात करते तो वो था डब्ल्यूटीओ में, टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्री इन द एरिया ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अंदर जो गरीब नेशन है उनको सहायता कौन प्रोवाइड करता है वो है आपका अंकटाड, फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉपरेशन अमंग द मेंबर कंट्री वो है आपका IMF, प्रोवाइड करना लोन फॉर बिल्डिंग कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री तो वो कौन करता है वर्ल्ड बैंक, फिर इन थ्योरी सेवरल लेवल ऑफ द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आर पॉसिबल, मतलब थ्योरी में अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत तरह के जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पॉसिबल होते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द लीस्ट टू द मोस्ट, वो कैसे है? तो सबसे पहले जो क्या आएगा FTA फ्री ट्रेड एरिया, फिर आएगा कस्टम यूनियन, फिर आएगी कॉमन मार्केट, फिर आएगा इकोनॉमिक यूनियन और लास्ट में कौन सा पॉलिटिकल यूनियन, तो आंसर क्या है BEACD। आगे दो आपको स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट बोलता है द मेन रीजन जो है ना फॉर कंपनीज टू मूव टू ग्लोबल मार्केट, की कंपनी जो है वो ग्लोबल मार्केट में मूव करे उसके पीछे जो रीजन है वो है टू टेक द एडवांटेज ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप, ये बात एकदम क्या करेक्ट है, अगर आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर बनाओगे तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होगी, बिल्कुल, तो बोलता है यूनिट कॉस्ट टू प्रोड्यूस द डिक्लाइन एज वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज, ये बात सही है, फिर बोलता है रीजन ये बोलता है इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन अराइज ड्यू टू द कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ऑफ द कंट्री इन विच द कंपनी प्रोड्यूस, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स होता है क्या नहीं, इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन होती है जब पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो रही है तो उसका कॉम्पिटिटिव इंडेक्स लेने देना नहीं है, तो आंसर जो आएगा वो क्या असर्शन तो आपका ट्रू है बट रीजनिंग आपका फॉल्स है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इनमें से कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका रिसोर्स बेस्ड अप्रोच का, तो वो रिसोर्स बेस्ड अप्रोच है वो ये बोलती है हमेशा कि जो इंटरनल सोर्सेज है आर मोर इंपोर्टेंट फॉर ए फर्म देन द इंटरनल फोर्सेज फॉर द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, इनमें से कौन सा जो है वो इंटरनेशनल लाइसेंसिंग का डिसएडवांटेज नहीं है, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग का डिसएडवांटेज नहीं है कि वो ये है कि जब आप इंटरनेशनल लाइसेंसिंग अगर देते हो तो आप इनवाइट करते हो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर को इन द थर्ड कंट्री मार्केट, बिल्कुल सही बात है, दूसरा एजेंसी कॉस्ट जो है वो हाई होती है यस, पॉसिबल लॉस होता है क्वालिटी कंट्रोल का यस, लेकिन नो डिटेल इन्वॉल्वमेंट विद द फॉरेन कस्टमर, जब आप दूसरे पर्सन को क्या लाइसेंस दे दोगे तो आप जो है आपका उसके अंदर जो डायरेक्ट जो डिटेल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, आपने लाइसेंस दे दिया बदले में आपको लाइसेंस फीस मिल गया बात खत्म हो जाता है आपका। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, तो एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज की जो है वो कौन सी अजम्पशन नहीं है, तो देखो जब भी हम एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज या कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जो आपकी ट्रांजेक्शन को जो आपकी वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो क्या नील है, तो यहां पर लेकिन केवल देर आर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर शिपिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो ये इसकी अजम्पशन नहीं है क्योंकि हम ये मानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो क्या होती है नील, एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर सामान लेके जाओगे तो वो विदाउट कॉस्ट पे जाएगा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट FDI, इनमें से कौन सा FDI है, तो FDI का मतलब क्या, जब इंडियन एनर्जी कंपनी इंडिया की कोई कंपनी जो है वो बाय करती है टेरिटरी अब्रॉड, विदेश में जाके कोई हमने जो है क्या ले जमीन ले लिया जहां पे हम जो है वो क्या करेंगे जहां पे ऑयल रिजर्व वहां पे हम क्या करेंगे ऑयल एक्सट्रैक्शन करने का काम करेंगे, तो यह है FDI। आगे एन अप्रोच, एक अप्रोच जिसमें हम क्या करेंगे मैनेज करेंगे इंटरनेशनल ऑपरेशन को इन विच नेशनलिटी इज डाउन प्लेड एंड द फर्म एक्टिवली जो है वो क्या करती है सर्च करती है ऑन वर्ल्ड वाइड ओरिजिनल बेसिस फॉर द बेस्ट पीपल टू फिल द की पोजीशन, मतलब मेन पोजीशन पे जो है वो हम जो है वो क्या करेंगे अपनी नेशनलिटी के बंदे को नहीं हम कैलिबर के हिसाब से किसी बंदे को अपॉइंट करेंगे, तो वो कौन सी अप्रोच है वो है EPRG के अंदर कौन सा जियोसेंट्रिक, कौन सा जियोसेंट्रिक। आगे लाइफ साइकिल ऑफ एमसी दे रखा है स्टाफिंग प्रोसेस दे रखा है, सबसे पहला सेटअप ऑफ द होस्ट यूनिट, जब आप जो है शुरुआत में होस्ट यूनिट को सेटअप करते हो तो यूजुअली जो है वो आप एथ्नोसेंट्रिक अप्रोच को जो है वो क्या करते हो फॉलो करते हो और अपने बंदों को अपॉइंट करोगे, फिर जब आप एस्टैब्लिश करोगे टेक्नोलॉजी टीम को टू बिगिन कोर ऑपरेशनल एक्टिविटी तो वहां पर पॉलीसेंट्रिक अप्रोच को जो है वो क्या करते हो प्रेफर करते हो, जब फुल ब्लो कर देते हो ऑपरेशन को मतलब विदेश में जाकर पूरा बढ़िया तरीके से काम शुरू कर दिया तो वहां पर डिस्टिंक्टिव हर नेशन के अंदर आप क्या करोगे उनके ही लोगों को क्या करोगे अपॉइंट करोगे क्योंकि उनको अपने नेशन के बारे में ज्यादा नॉलेज होगी, और जब स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल लीडरशिप होती है आप चाहते हैं एट द यूनिट लेवल पे व्हाइल ग्लोबली कंसोलिडेट विद द पेरेंट कंपनी तो वहां पे आप जो है वो डिस्टिंक्टिव पॉलीसेंट्रिक अप्रोच को जो है वो क्या करते हो यूज करते हो कुड गेट टू जियो से, और लास्ट में जो है और अप्रोच कौन सी लास्ट में कहां पहुंचना चाहते हो जियो सेंट्रिक के ऊपर। आगे यहां पे ट्रेड कांसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी देखिए डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले गेट्स, गेट्स जो है वो रिलेटेड है किससे आपका सर्विसेज से, ठीक है डब्ल्यूटीओ के अंदर हम इसको यूज करते हैं गेट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, तो ये एक्सटेंड करता है मल्टीलेटरल रूल्स एंड डिसिप्लिन टू द सर्विस, ट्रिप्स की बात करते तो यह है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है तो इसके अंदर बेसिकली जो बात किया गया किसका दी एग्रीमेंट रिक्वायर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द बर्ने कन्वेंशन ऑफ 1886 टू विच इंडिया इज ए सिग्नेटरी, तो बर्ने कन्वेंशन के अंदर जो बात किया गया किसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
राइट्स का, आईपीआर का, जिसमें कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क ये सब आता है। ट्रिम्स की बात करें तो ये है आपका ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट वेदर। इसके अंदर बताया गया बेसिकली रूल्स किसके बारे में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। और एमएफएन जो है वो है मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये क्या करता है, रोकता है, मतलब ये बोलता है कि अगर आपने किसी एक कंट्री को जो है वो एमएफएन का दर्जा दे दिया तो आपको दूसरी कंट्री को भी एमएफएन का दर्जा देना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कंट्रीज फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग फॉरेन सप्लाई ऑफ द सर्विस। तो आंसर क्या है, ए 1, 2, 3 and 4। आगे, अरेंज द फॉलोइंग मोड ऑफ एंट्री इन फॉरेन मार्केट स्टार्टिंग विद द मोड ऑफ एंट्री हैविंग द लीस्ट कमिटमेंट, रिस्क कंट्रोल एंड प्रॉफिट पोटेंशियल। सबसे कम जो कंट्रोल है, सबसे कम जो आपका रिस्क है वो किसमें होता है, एक्सपोर्ट में। शुरुआत जब आप करते हो, जब आप दूसरे नेशन के अंदर एंटर करना होता है ना आपको, ठीक है, तो मोड ऑफ एंट्री जो होती है ना आपकी फॉरेन मार्केट के अंदर, तो उसमें शुरुआत कैसे होती है, तो शुरुआत में आप लोग जो क्या करोगे, कंपनी स्टार्ट करेगी एक्सपोर्ट से, वर्किंग थ्रू डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एजेंट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी। उसके बाद में फिर जब कंपनी अच्छा काम करेगी, फिर उसके बाद कंपनी जो क्या करेगी, स्टार्ट करेगी एक्सपोर्ट यूजिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट को यूज करके एंड ओवरसीज सेल ब्रांच, वहां पर अपने एक ब्रांच को ओपन कर सकती है। फिर और भी अगर काम बढ़ेगा, फिर कंपनी जो क्या करेगी, लोकल मैन्युफैक्चरर को हायर करेगी टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, वहीं पर काम करना शुरू करेगी। फिर और भी काम अगर बढ़ेगा तो कंपनी क्या करेगी, ऑफर करेगी कंप्लीट ब्रांड कॉन्सेप्ट को एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू इन्वेस्टर इन रिटर्न फॉर सर्टेन फी, जहां पे कंपनी फ्रेंचाइजी को जो है फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर देगी। और भी बढ़िया काम चलेगा तो कंपनी वहां पे क्या करेगी, लोगों के साथ में मिलकर खुद ही एफडीआई वहां पे लगा देगी। तो आंसर है बी, डी, ए, ई, सी। आगे दो आपको स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट बोलता है सस्टेन्ड करंट अकाउंट सरप्लस, सस्टेन्ड करंट अकाउंट सरप्लस एनकरेज करता है गवर्नमेंट को कि वो लिबरलाइज करे इंपोर्टेंट कैपिटल मूवमेंट को। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारा करंट अकाउंट के अंदर क्या होगा, सरप्लस होगा, तो हमारी गवर्नमेंट, तो मतलब फॉरेन करेंसी का इनफ्लो ज्यादा और आउटफ्लो कम है, तो हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो क्या होगी, थोड़ी लिबरल हो जाएगी कि इंपोर्टेंट कैपिटल मूवमेंट के ऊपर जो हम थोड़े लिबरल हो जाएंगे और बाहर से सामान को आराम से आने भी देंगे। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलते हैं कैपिटल करंट अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन जो होती है ना कंट्री की, वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी से। यह बात भी एकदम क्या सही है, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी ही तो बताती है कि कौन से सामान बाहर से आएगा, कौन सा सामान बाहर से नहीं आएगा। दोनों बात एकदम सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे, which one of the following is not an advantage of the staffing international operation of MNC using the parent country national? तो वो क्या है, वो एक इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, वो है फैमिलियर विद द लोकल नोमेनक्लेचर। तो अगर आप अपने इंडिया के अगर पर्सन को यूएस के अंदर अपॉइंट करोगे तो उसको जो वो ज्यादा फैमिलियर नहीं होगा, तो ये कमी रहती है। आगे, which one of the following is not a non-tariff barrier? इनमें से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है, ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है। कोटा नॉन टैरिफ है, कस्टम एंड एंट्री प्रोसीजर नॉन टैरिफ है, एक्सचेंज रेट नॉन टैरिफ, लेकिन कंबाइंड रेट ये आपके टैरिफ बैरियर है। आगे, which of the following marketing strategy fall under the geocentric kind of international orientation? तो कौन सी स्ट्रेटजी है, तो वो है आपका ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो ये एक तरह की क्या है, जियोसेंट्रिक काइंड ऑफ इंटरनेशनल ओरिएंटेशन है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए जो एक जैसा सामान बनाने का काम करते हैं, जियोसेंट्रिक अप्रोच को यूज करते हैं, जिसमें बोलते हैं गो ग्लोबल बट एक्ट लोकल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कंट्रीब्यूट करता है मोस्ट ऑफ द डिसरप्शन इन द ब्रेटन वुड सिस्टम, तो वो मतलब इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से जो क्या ब्रेटन वुड सिस्टम जो चलते आ रहा था उसमें जो डिसरप्शन हुआ, ठीक है। जो पहले फिक्स एक्सचेंज सिस्टम था ब्रेटन वुड्स, तो उसमें डिसरप्शन किस वजह से हुआ, वो हुआ जब सस्पेंड कर दिया गया कन्वर्टेबिलिटी ऑफ डॉलर इनटू द गोल्ड इन 1971, और उसके बाद में जो है वो कौन सा सिस्टम आ गया, फिर आ गया आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके अंदर जो है वो मार्केट फोर्सेस बोलो तो डिमांड और सप्लाई, ये जो है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट को फिक्स करने का काम करते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेशन इज रिलेटेड टू द सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो वो है कौन सा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आगे, थ्योरी दे रखी है और आपको यहां पे जो है इसको क्या करना है, मैचिंग करना है। सबसे पहले मर्कलिज्म थ्योरी, मर्कलिज्म थ्योरी की अगर बात करें तो ये जो है वो क्या बोलता है, ये बोलता है गोल्ड एंड सिल्वर आर द मेन्स के होते हैं किसके, नेशनल वेल्थ के, मतलब किसी भी देश की वेल्थ को अगर आपने देखना तो वो पता चलेगा किसके मदद से, उसके आपके कि उसके पास कितने रिजर्व पड़े हैं किसके, गोल्ड एंड सिल्वर के। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज जो बात करते हैं क्या, कि कंट्री जो है वो स्पेशलाइज होगी इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स फॉर विच दे हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो क्या बोलता है कि आप जो है वो अपना कंपैरिजन खुद से करेंगे, ठीक है ना, और अपने रिलेटिव एडवांटेज जिसके अंदर आपको फालतू होगी ना तो उसका सामान को बनाओगे। और इफेक्टिव एंडोमेंट थ्योरी जो वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट मेड और ग्रोन फॉर द एक्सपोर्ट वुड डिपेंड करेंगे किस पे, आपके पास कितने अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर जो आपके रिसोर्स क्या है अवेलेबल है। तो इफेक्टिव एंडोमेंट थ्योरी जो बात करते हैं किस पे, किसके बारे में, कि आपके पास कितने जो है वो रिसोर्सेज क्या है अवेलेबल है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जस्टिफिकेशन फॉर प्रेफरिंग एथनोसेंट्रिक अप्रोच टू द स्टाफिंग, बोलते इनमें से कौन सी बात है जो जस्टिफाई नहीं करती किसको, एथनोसेंट्रिक अप्रोच को, तो यह है कि हायरिंग करना होस्ट कंट्री नेशनल एलिमिनेट द लैंग्वेज बैरियर। तो इससे जो लैंग्वेज बैरियर जो है वो अगर आप उनको ले लोगे ना, जैसे अगर आप इंडिया से बाहर यूएस में काम कर रहे हो और अगर आपने यूएस के बंदे को ले लिया तो जो लैंग्वेज बैरियर है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना।
Which of the following is not an element of the trade relation mix in the international business? So, वो आपका product variety, simple. इसके बाद में फिर अंकटर जो है वो क्या करता है, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वो कंपाइल करता है ट्रांसनेशनलिटी इंडेक्स को और उसके अंदर बेसिकली तीन देशों बनाते हैं, एक है आपका फॉरेन एसेट अपॉन टोटल एसेट, एक है फॉरेन सेल अपॉन टोटल सेल और एक है फॉरेन एम्प्लॉयमेंट अपॉन टोटल एम्प्लॉयमेंट, ये तीन देशों बनाते हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग नैरेटिव एक्सप्लेन करता है लियोनटिफ पैराडॉक्स को, तो लियोनटिफ पैराडॉक्स है वो क्या बोलता है कि यूएस से एक्सपोर्ट करा था लेबर इंटेंसिव जो है वो प्रोडक्ट को और इंपोर्ट करा था कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, तो बोलता है इनमें से कौन सा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड नहीं है, तो वह अगर कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करता है इक्विटी शेयर को तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर नहीं आएगा। आगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट चेंज इन होल्डिंग ऑफ द गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी बाय ऑफिशियल मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन आर अकाउंटेड, वो उनके ट्रीटमेंट कहां होगा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज द सप्लाई फैक्टर, जो अफेक्ट करते हैं फ्लो ऑफ द एफडीआई, तो वो कौन कौन सप्लाई फैक्टर, वो आपका बाय रिसोर्स कौन कौन से आपके पास अवेलेबल है और आपका जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, ये बेसिकली आपके जो है वो अफेक्ट करते हैं किसको, फ्लो ऑफ द एफडीआई को। आगे एटी कर्नी इंडेक्स होता है और उसके जो वेरिएबल देखे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, एफडीआई इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करेगा, जो आपका पर्सनल इंटीग्रेशन है उसके अंदर बेसिकली हम देखते हैं इंटरनेशनल टूरिज्म एंड ट्रैवल जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन के अंदर हम देखते हैं इंटरनेट यूजर बेसिकली ये सब टेक्निक को देखते हैं कि हम कितने यूज टू हैं, एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के अंदर देखेंगे रेटिफिकेशन एंड द मल्टीलेटरल ट्रेड कि हमने उनके ऊपर सहमति दी हुई है नहीं दी हुई है। इसके बाद बोलता है बाय रिमूविंग द बैरियर बिटवीन द नेशनल मार्केट ट्रेडिंग ब्लॉक क्रिएट कंपटीशन ड्यू टू बिगर ट्रेडिंग एरिया, ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप बैरियर को हटा दोगे तो उससे जो वो क्या होगा, जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक बड़ा कंपटीशन जो निकल के आएंगे। बिल्कुल सही बात है, जैसे अब अगर मान लो तीन चार देश आपस में मिल गए तो बट नेचुरल है कि वो जो है वो क्या होगा, क्रिएट होगा एक कॉम्पिटिशन जो है वो क्रिएट होगा। यस, फिर बोलता है इंक्रीज कॉम्पिटिशन कैन लेड टू क्लोजर ऑफ लोकल इंडस्ट्री, और कॉम्पिटिशन अगर बढ़ेगा तो उससे क्या लोकल इंडस्ट्री हमेशा बंद ही हो जाएगी, ऐसा होगा क्या, नहीं सर ऐसा जरूरी नहीं है। आगे जो आपका डीजीएफटी है ठीक है, वो फैसिलिटेट करता है प्रमोट करता है फॉरेन ट्रेड को इन इंडिया और इंप्लीमेंट करता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये ट्रेड है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री गवर्न द डीजीएफटी, डीजीएफटी को गवर्न करती है आपकी कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आगे स्टेप टू बी फॉलो बाय अ फर्म व्हाइल स्ट्रेटजाइजिंग टू गो इंटरनेशनल आरएस फॉलो, तो अगर कोई फर्म जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जाके काम करेंगे तो वो कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेगी, सबसे पहले फर्म डिसाइड करेगी कि क्या ग्लोबल जाना भी है या नहीं जाना, अगर जाना है तो फिर फर्म डिसाइड करेगी वेदर विच मार्केट टू एंटर देख लिया, फिर हम डिसाइड करेंगे वेन टू एंटर, फिर हम जो है वो क्या डिसाइड करेंगे हाउ टू एंटर, और लास्ट में चूज करेंगे मोड ऑफ एंट्री। आगे विच वन ग्रुप ऑफ द फॉरेन कंट्री आर मेंबर ऑफ द एशियान, तो एशियान के जो 10 मेंबर थे उसके अंदर लाओस हो गया, कंबोडिया, ब्रूनी, ये सब जो है मेंबर है किसके, एशियान के। आगे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ट्रेड रिस्ट्रिक्शन आर ऑफन बीन अलाउड एंड जस्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डंपिंग प्रैक्टिस, वो आपका प्रीडेटरी डंपिंग। आगे एटी कर्नी फॉरेन जो आपका पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स होता है ना, तो उसके अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, ये 12 वेरिएबल के ऊपर बेस है विच इज ग्रुप इनटू द फोर बास्केट, और चार बास्केट कौन कौन सी है, पर्सनल इंटीग्रेशन टेस्ट चेक करते हैं, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आगे द प्रॉब्लम ऑफ द परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट, लंबे समय तक जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट चलते आ रहा है और ये इट कैन बी अवॉइडेड, इसको जो है दूर किया जा सकता है कैसे, बाय परसुइंग विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी, तो अगर आप जो वो क्या कर लो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कर लो, ठीक है, दूसरा अगर आप जो वो क्या डीवैल्यू अपनी करेंसी डोमेस्टिक करेंसी को डीवैल्यू करोगे तो आपके एक्सपोर्ट जो वो सस्ते हो जाएंगे तो आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाओगे, एंड तीसरा अगर आप जो वो क्या रिड्यूस करोगे डिपेंडेंस इन कॉस्टली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग पे तो भी आप जो है वो क्या कर सकते हो अपना जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि जब आप बाहर के लोगों पे अगर डिपेंड रहोगे तो आपको बहुत सारा पैसा ब्याज के तौर पे देना पड़ता है जिससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, तो अगर आप इन पे जो है वो क्या कर लो कंट्रोल कर लो तो फिर आप जो है आपका जो लंबे समय से परसिस्टेंट जो आपका लंबे समय से करंट अकाउंट डेफिसिट चलता है वो आपका क्या हो जाएगा कंट्रोल आ जाएगा। आगे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी दे रखी है और थ्योरी का प्रोपाउंडनेस आपको बताना है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी दिया है एक्शन एंड ओलिन ने, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंटरनेशनल पीएलसी थ्योरी जो है वो दिया था वर्नर रेमंड ने, और फिर आपका एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दिया एडम स्मिथ ने, एंड कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी दिया आपके माइकल पोर्टर ने। आगे द पोटेंशियल बेनिफिट जो है एफडीआई का टू द होस्ट कंट्री, ठीक है, इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, एक तो आपको मतलब होस्ट कंट्री को, जैसे अगर बाहर से पैसा इंडिया के अंदर आएगा तो इंडिया को क्या फायदा है, तो पहला तो ये सुपीरियर टेक्नोलॉजी अपने को देखने को मिलेगी, दूसरा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर बढ़ जाएगा, एंड तीसरा जो इनकम इनइक्वालिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा इससे।
ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन टैरिफ, इनमें से कौन सा नॉन टैरिफ पीरियड है इस टू बी एडिक्वेटली एड्रेस करता है इंडिया के द्वारा जो बोला गया वाइल साइनिंग एफटीए विद एनी कंट्री दैट हैज पोटेंशियल टू इंपोर्ट फ्रूट, कि हमारे हम जो है वो क्या करेंगे जब भी हम इंपोर्ट करेंगे फ्रूट वेजिटेबल एंड अदर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को, तो हम जो है वो क्या करेंगे सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर को जो है वो क्या करेंगे हम लोग जो है वो पहले उसको रेगुलेशन को कंसीडर करेंगे, तो वह फाइटोसैनिटरी। आगे अकॉर्डिंग टू द हेक्शर ओलिन थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हेक्शर ओलिन थ्योरी जो क्या बोलती है एक कंट्री जिसके पास रिलेटिवली चीपर कॉस्ट ऑफ लेबर होते हैं ना वो जनरली क्या उसको क्या करना चाहिए लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को जो है बना बना के एक्सपोर्ट करना चाहिए और कैपिटल इंटेंसिव को इंपोर्ट करना चाहिए। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एफटीए जो है वो साइन किया गया 2022 में, ठीक है, वो इंडिया यूएई, इंडिया और यूएई ने जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया सिपा, ठीक है, याद करके जाना। आगे COVID-19 के बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अपस्किलिंग एनेबलर फॉर द वुमेन इन इंडिया, तो वुमेन्स को जो है वो ज्यादा बेनिफिट हुआ, पहला क्या एक तो फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटी मिल गया, कभी भी काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटी मिला, नीड टू स्टे रेलिवेंट स्पेशली इन द टेक्नोलॉजी एंड विलिंगनेस टू रिटर्न टू वर्क, और जब उनका मन चाहे तो वो आप काम पे भी आ सकते हैं। आगे सीक्वेंस जो है वो क्या है द फॉलोइंग डिफरेंट सेटलमेंट स्टेज ऑफ द डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, तो अगर मान लो कभी भी दो कंट्री का आपस में डिस्प्यूट हो गया तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा कंसल्टेशन, निपट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पैनल रिव्यू, उसके बाद में जो क्या होगा एपिलेट अथॉरिटी, और उसके बाद में फिर क्या इंप्लीमेंटेशन करेंगे जो भी प्रोसीजर है, और फिर रिटेलिएशन होगा। उसके बाद में है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम जो है वो क्या बोलते हैं ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, ये बोलते हैं कि अगर आप कोई ऐसे सामान को बना रहे हो जिसको बना के आप बाहर एक्सपोर्ट करने वाले हो और उस सामान को बनाने के लिए अगर आपको कोई बाहर से गुड्स मंगवानी है इंपोर्ट करनी है तो आप मंगवा सकते हो और उसको हम ड्यूटी फ्री कर देंगे, तो बोलते हैं एग्जेम्प्ट कर देंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द कस्टम ड्यूटी एडिशनल ड्यूटी एजुकेशन सेस एंड द एंटी डंपिंग और सेफगार्ड ड्यूटी फॉर इनपुट यूज इन द एक्सपोर्ट। आगे इंडियन कंपनी, ठीक है, जो रिसीव कर रही है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया से फॉर इशूइंग द शेयर कन्वर्टेबल डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर अंडर द एफडीआई स्कीम शुड रिपोर्ट करके डिटेल आरबीआई को बताएगी, कितने दिनों में जिस दिन पैसा मिला उसके 30 दिन के अंदर आपको आरबीआई को बताना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पोर्टर डायमंड, यहां पे जो है पोर्टर माइकल पोर्टर नहीं है, पोर्टर डायमंड थ्योरी है, ठीक है ना, तो पोर्टर डायमंड के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द नेशनल कंपिटेटिव एडवांटेज, तो नेशनल कंपिटेटिव जो अपना नाइन्थ थ्योरी था अपने इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ना पोर्टर डायमंड मोड, तो वो क्या बोलता है वो बोलता है कि हम लोग जो चार चीजों को कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, तो बोलते हैं इनमें कौन सा नहीं है, तो रिलेटिंग एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री हम चेक करते हैं, फर्म स्ट्रेटजी रेबिलिटी डिमांड कंडीशन, ठीक है, लेकिन बार्गेनिंग पावर बायर ये इसका पार्ट नहीं है। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का आईबीआईडी पार्ट है, आईडीए पार्ट है, मीका, लेकिन बीआईएसएस का पार्ट नहीं है। आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो है वो आएगा डेट लिफ्ट द फार्मर, फार्मर को के लोन जो माफ कर दिए, ठीक है, क्योंकि उससे जो है वो हमारी एसेट कोई मतलब हमारी लायबिलिटी कम नहीं हुई है, तो हमारा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा था पहले ये बताओ, सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिससे ना तो एसेट बड़े और ना ही लाइबिलिटी कम हुए, ठीक है, सब्सिडी दे दिया फर्टिलाइजर तो हमारी कोई लाइबिलिटी कम नहीं हुई, ठीक है, ग्रांट दे दिया स्टेट को तो भी हमारी कोई लाइबिलिटी कम नहीं हुई है, अगर सेंट्रल प्लान एलोकेट करता है रूरल डेवलपमेंट के लिए तो एसेट क्रिएट होती है, सेंट्रल प्लान एलोकेट करता है इरीगेशन या फ्लड कंट्रोल के लिए तो एसेट क्रिएट होती है, तो ये जो है ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आगे बढ़िएगा, नेम ऑफ द थ्योरी एंड द डिस्क्रिप्शन, हेक्शर ओलिन थ्योरी जो क्या बोलती है The theory that a nation will export करेगा goods जिसका production require intensive the nation led abundant जो आपके पास abundant amount के अंदर resource है आप उनका use करके जो क्या करोगे सामान ऐसा बनाओगे जिसके लिए आपके nation के सारे resource use हो जाएं और आप ऐसे सामान को import करोगे जिसको बनाने के लिए आपके पास में जो है वो resources नहीं है, ठीक है ना, तो मतलब capital intensive जो economy है वो capital intensive goods को बनाएगी और labor intensive economy labor intensive goods को बनाएगी, ठीक है। country similarity क्या बोलते हैं, दो country का demand pattern जितना similar होगा उनके बीच में interstate trade उतना ज्यादा होगा। मर्केंटलिज्म जो है वो क्या बोलता है, ये बोलता है This theory states that the aim जो है for accumulate करना financial wealth in the terms of gold and silver और absolute advantage जो है वो क्या बोलता है कि हम जो है जिस सामान को बनाने में हमारे absolute advantage होगी उसी को बना बना के हम क्या करेंगे export करेंगे, ठीक है। फिर दो स्टेटमेंट देखिए, बोलते हैं थाउजेंड ऑफ स्मॉल फर्म इन द डेवलपिंग कंट्री हैव क्लोज देयर शटर बिकॉज ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम द लार्ज एमएनसी, बिल्कुल सही बात है, एमएनसी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ पूरा कंट्री बाय ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये बात भी एकदम करेक्ट है क्योंकि वो नई नई टेक्निक लेके आएगी तो जो आपके एलडीसीज है, ठीक है, या डेवलपिंग कंट्री वहां पर जो नई नई टेक्निक आती है, तो दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है।
आगे अरेंज करना है प्रोसीजर फॉलो फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ द एक्सपोर्ट क्रेडिट इन ए सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा, आप एविडेंस जो है वो सबमिट करोगे एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है, अरेंज कर प्रोसीजर फॉलो फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ द एक्सपोर्ट क्रेडिट। अगर आप जो है आपने कोई सामान बना के जो एक्सपोर्ट करना है और उसको बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप बैंक को अगर अप्रोच करते हो कि मेरे को पैसा दे दो, मैं सामान बना के बाहर बेच दूं, पैसा मिलेगा आपको वापस कर दूंगा, तो अब उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले एविडेंस सबमिट करना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में आप एक्सपोर्ट करने वाले हो नहीं करने वाले हो। फिर उसके बाद में जो आप क्या करोगे, बैंक कैलकुलेट करेगा अमाउंट ऑफ पैकिंग क्रेडिट टू बी ग्रांट की, कितना पैसा आपको देना है। फिर बैंक रिलीज करेगा पैसा आपको जो है प्रोवाइड करवा देगा। फिर बैंक फिर एक्सपोर्टर जो है वो क्या करेगा, वो गुड्स भेजेगा टू द अप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड द फॉरवर्डिंग एजेंसी। और लास्ट में एक्सपोर्टर जो है वो क्या करेगा, एडिक्वेट इंश्योरेंस भी ले लेगा। आगे मैचिंग करना है टैरिफ एंड एक्समेशन। टैरिफिकेशन का मतलब जो क्या होता है, जब हम क्या करते हैं एक्जिस्टिंग नॉन टैरिफ बैरियर को कन्वर्ट करते हैं टैरिफ बैरियर में, उसको बोलते हैं टैरिफिकेशन। प्रोहिबिटेड सब्सिडी जो है वो क्या होती है, दे एक्ट एज द गुड्स विच आर कंटेंट अपॉन द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एक्शनेबल जो आपके सब्सिडी है वो क्या है, दे हैव डेमोस्ट्रेबली एडवर्स, एक मिनट ये प्रोहिबिट ये उल्टा है, प्रोहिबिटेड सब्सिडी जो है वो क्या होती है, इनका एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है, दे हैव डेमोस्ट्रेट एडवर्स इफेक्ट पड़ता है ऑन द मेंबर कंट्री पे। एक्शनेबल सब्सिडी कौन सी होती है, एक्शनेबल वो है दे एक्ट ऑन द गुड्स विच आर कंटेंट अपॉन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। और नॉन एक्शनेबल कौन सी है, फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इन द डिसएडवांटेज रीजन, ठीक है ना, रिसर्च के लिए जो पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं ये सब। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विच द फॉलोइंग फैक्टर वो क्या रिस्ट्रेन करता है, बोलते रोकता है, रोकता है ग्लोबलाइजेशन से, कौन सा ऐसा फैक्टर है, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये रोकता है क्या, ये बढ़ावा देता है, नेशनलिज्म रोकता है, ठीक है, इमर्जिंग ट्रेड बैरियर लगाओगे तो भी आपका जो है वो ग्लोबलाइजेशन रुकेगा, रेगुलेटरी कंट्रोल जो है ये भी, इससे भी ग्लोबलाइजेशन क्या होगा रुकेगा, मूव टुवर्ड्स फ्री मार्केट, अगर फ्री मार्केट जो है तो ग्लोबलाइजेशन प्रमोट होगा, तो ये भी गलत। तो आंसर जो आएगा वो क्या, बी सी एंड डी। लो जी ये हो गए हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के भी टॉप 57 क्वेश्चन। तो लगभग आज की वीडियो में हमने 151 क्वेश्चन जो है 151 एमसीक्यू बढ़िया वाला हमने डिस्कस कर लिया, इसको आप बढ़िया तरीके से कर लीजिए। कल सुबह एक वीडियो और डालूंगा और उसके अंदर हमारे जो बाकी बचे हुए चार जो अपने यूनिट है उनके क्वेश्चन हम करेंगे। ओके क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, अच्छे लगे अच्छा से कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगे वो भी बताइएगा। और बाकी जून 2024 में जो एंटीनेट का पेपर होना उसके लिए ऑनलाइन बैच हमने स्टार्ट कर दिया, तो अगर आप इंटरेस्टेड है नीचे नंबर है इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ओके जी सर, बाकी इसका मैं पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है ना जी सर। चलो एक बार इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।